सो हे गाइस, मैं हूं एलेक्स एंड आप देख रहे हो टेक्नो एलेक्स। तो आज हम वापस आ चुके हैं टर्मक्स बेसिक टू एडवांस का ये कंप्लीट वीडियो लेके। तो ये वीडियो एक्चुअली 1.5 घंटे का होने वाला है एंड इस वीडियो का टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप टाइम स्टैम्प को देख के वीडियो को देख सकते हो एंड टाइम स्टैम्प आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है। तो आप चाहो तो टाइम स्टैम्प का यूज़ करो या फिर ना करो। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो, अगर आप नूब भी हो टर्मक्स में, तो आप प्रो की तरह यूज़ कर सकते हो। इसमें मैंने सारे शॉर्टकट बताए, सारे बेसिक कमांड्स के बारे में बताया है। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम आज का एजेंडा देख लेते हैं कि आज हम इस वीडियो में क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो फर्स्ट ये जानेंगे कि व्हाट इज टर्मक्स, टर्मक्स क्या है। सेकंड में ये जानेंगे कि हम टर्मक्स से क्या क्या कर सकते हैं। उसके बाद हम थर्ड में ये जानेंगे कि टर्मक्स को इंस्टॉल करने के लिए सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होनी चाहिए। फोर्थ ये है कि हम टर्मक्स को क्यों चुनें, टर्मक्स का यूज क्यों करें। एंड फिफ्थ एंड लास्ट है कि हम टर्मक्स को इंस्टॉल कैसे करें अपने डिवाइस में। तो चलिए हम सारे पॉइंट्स को एक एक करके देखते हैं। चलिए हम पहले टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि टर्मक्स क्या है। टर्मक्स एक एंड्रॉयड टर्मिनल एमुलेटर ऐप है जो कि आपको लिनक्स इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराता है। एंड टर्मक्स का जो कमांड्स है वो लिनक्स से काफ़ी मिलता जुलता है। अगर आपने लिनक्स यूज़ किया है तो आपके लिए टर्मक्स को यूज़ करना कोई बड़ी बात नहीं है। और यदि आप बिगिनर हो, आप हैकिंग स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप टर्मक्स का यूज ले सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर कि हम टर्मक्स से क्या क्या कर सकते हैं। वैसे तो आप टर्मक्स का यूज़ करके बहुत कुछ कर सकते हो, तो चलिए कुछ यूजेस देखते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं। फर्स्ट है कि आप इसे हैकिंग सीखने के लिए या फिर हैकिंग की शुरुआत करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हो। मतलब अगर आपको हैकिंग नहीं आती है और आप अगर हैकिंग सीखना चाहते हो तो टर्मक्स का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है कि आप इसे हैकिंग कर सकते हो। नेक्स्ट है कि लिनक्स डिस्ट्रो को इंस्टॉल करके आप लिनक्स की भी प्रैक्टिस कर सकते हो इसमें। एंड नेक्स्ट है कि आप सिस्टम हैकिंग कर सकते हो, आप इससे वेब हैकिंग कर सकते हो एंड भी बहुत कुछ। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर कि सिस्टम का रिक्वायरमेंट क्या चाहिए टर्मक्स को इंस्टॉल करने के लिए। इसका सिंपल सा आंसर है कि आपका फ़ोन एंड्रॉयड होना चाहिए। सेकेंड है, आपका जो एंड्रॉयड वर्जन है वो कम से कम 7 होना चाहिए। अगर उससे कम है तो वर्क नहीं करेगा। तो बात करते हैं अगर इसके स्टोरेज की कि कितना स्टोरेज चाहिए कम से कम। आपको कम से कम 500 MB स्टोरेज चाहिए एंड इस ऐप का जो डेटा है वो टाइम टू टाइम बढ़ते रहेगा, क्योंकि आप इसमें नए टूल्स इंस्टॉल करोगे, नए पैकेजेस इंस्टॉल करोगे, आप इंस्टॉल करते रहोगे तो इसका स्टोरेज एक्सपेंड होते रहेगा। इसका रैम क्या चाहिए, मतलब रैम कितना होना चाहिए। आपको मिनिमम 1 GB चाहिए रैम इसको वर्क करने के लिए। नेक्स्ट है कि क्या हम टर्मक्स को एंड्रॉयड 11 में यूज़ कर सकते हैं। इसका आंसर है कि हाँ, आप यूज़ कर सकते हो एंड्रॉयड 11 में। इवन आप 12 बीटा में भी यूज़ कर सकते हो। क्या टर्मक्स को यूज़ करने के लिए हमारा फ़ोन रूटेड होना चाहिए? तो इसका सिंपल सा आंसर है कि नहीं। अगर आपका फ़ोन रूटेड नहीं है तो भी आप टर्मक्स का यूज़ कर सकेंगे। अगर आपका फ़ोन रूटेड है तो टर्मक्स में आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिलेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर कि हम टर्मक्स का इस्तेमाल क्यों करें। इसका सिंपल सा आंसर है, टर्मक्स एक ओपन सोर्स ऐप है जिसको कि आप फ्री में यूज़ कर सकते हो। सेकंड है कि ये एंड्रॉयड में यूज हो सकता है, ये पोर्टेबल है। इसके लिए आपको PC या लैपटॉप नहीं चाहिए। ये मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट करता है। आपको अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए अलग अलग ऐप डाउनलोड करने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक ही ऐप में सारे तरह के प्रोग्रामिंग को कर सकते हो। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर कि हम टर्मक्स को इंस्टॉल कैसे करें। चलिए हम इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। वैसे तो आप टर्मक्स को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, पर मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, क्योंकि प्ले स्टोर पे अपडेट आना बंद हो गया है टर्मक्स का। एंड टर्मक्स धीरे धीरे न्यू प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट हो रहा है जिसका नाम है ऐप एंड्रॉयड। तो पहले आपको ऐप एंड्रॉयड ऐप को इंस्टॉल करना होगा। उसके लिए आप कोई सा भी ब्राउजर ओपन कर लीजिए एंड वहाँ पे आपको सर्च बार पे टाइप करना है ऐप एंड्रॉयड एंड सर्च कर देना है। एंड जैसे ही आप सर्च करोगे तो आपके सामने रिजल्ट आएगा। फर्स्ट रिजल्ट है ऐप एंड्रॉयड का, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप फर्स्ट लिंक पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐप एंड्रॉयड का वेबसाइट ओपन हो जाएगा एंड यहाँ पे आप डाउनलोड ऐप एंड्रॉयड का बटन मिल जाएगा, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने एक कंफर्मेशन का पॉपअप दिखेगा, तो आपको यहाँ पे ओके प्रेस कर देना है एंड ये डाउनलोड होने लगेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ऐप एंड्रॉयड डाउनलोड हो चुका है। चलिए मैं इसको इंस्टॉल कर देता हूँ। जैसे कि आप कोई सा भी APK डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हो तो उसी की तरह आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। चलिए मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो ये ऐप एंड्रॉयड इंस्टॉल हो चुका है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। आप इसको जैसे ही ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा कि अपडेटिंग रिपोजिटरीज, मतलब ऐप एंड्रॉयड का जो रिपोजिटरी है, मतलब जिसमें कि सारे ऐप का सोर्स है, वो रिपोजिटरी अपडेट हो रहा है। तो आपको यहाँ पे बस थोड़ा सा वेट करना है एंड ये लोड हो जाएगा। एंड इधर एक कॉर्नर में आपको सर्च बार का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको इस पर जैसे ही क्लिक करोगे
तो आपके सामने सर्च बार ओपन हो जाएगा एंड यहाँ पे आपको टर्मक्स लिख के सर्च कर देना है। एंड जैसे ही आप लिख के सर्च करोगे टर्मक्स, तो आपको यहाँ पे फोर्थ नंबर पे एक ऐप मिल जाएगा टर्मक्स का, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। एंड जैसे ही आप टर्मक्स पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, जहाँ पे आपको बगल में इंस्टॉल का बटन दिखाई देगा। सो आपको इंस्टॉल वाले बटन पे क्लिक कर देना है। एंड आप जैसे ही क्लिक करोगे तो ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। सो डाउनलोड हो रहा है एंड जब ये ऐप का डाउनलोडिंग कंप्लीट हो जाएगा तो ये अपने आप ऐप को इंस्टॉल कर देगा। अगर आप पहली बार एंड्रॉइड से कोई भी ऐप को इंस्टॉल कर रहे हैं तो इंस्टॉल होते टाइम आपको इस तरह का पॉपअप दिखाई देगा, तो आपको यहाँ पे सिंपली सेटिंग पे क्लिक कर देना है। एंड सेटिंग पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन शो करेगा, अलाउ फ्रॉम दिस सोर्स, तो आपको यहाँ पे इसको इनेबल कर देना है। आपको इस तरह का कुछ पॉपअप दिखाई देगा तो इसको अवॉइड कर देना है एंड इसको भी ओके कर देना है। एंड यहाँ से आपको बैक आ जाना है एंड इसको फिर से इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। तो आप जैसे ही इंस्टॉल पे क्लिक करोगे तो ये ऐप इंस्टॉल होने लगेगा आपके एंड्रॉइड में। तो गाइज ये ऐप इंस्टॉल हो चुका है एंड चलिए मैं इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ एंड मैं फिर से ऐप एंड्रॉइड ऐप को ओपन करता हूँ। एंड एक ऐप और आपको डाउनलोड करना होगा जो कि है टर्मक्स API। सो आपको यहाँ पे फिर से सर्च करना है टर्मक्स API। आप जैसे ही सर्च करोगे तो आपके सामने ये रिजल्ट आएगा टर्मक्स API का, तो आपको यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। एंड आप इंस्टॉल पे क्लिक करोगे तो ये इंस्टॉल होने लगेगा। सो आफ्टर डाउनलोडिंग आपके सामने इंस्टॉल का बटन दिखाई देगा, तो आप इंस्टॉल पे क्लिक कर दोगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगा आपके एंड्रॉइड में। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो ये मेरे एंड्रॉइड में डाउनलोड हो चुका है। एज यू कैन सी हियर टर्मक्स यहाँ पे अवेलेबल है। जब आप पहली बार टर्मक्स को ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ लिखा हुआ आएगा इंस्टॉलिंग बूट स्ट्रैप पैकेजेस। सो जैसे ये कंप्लीट होगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा आपके टर्मक्स का। सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो टर्मक्स बेसिक टू एडवांस कोर्स का सेकंड पार्ट है, जिसमें मैं ये कवर करने वाला हूँ कि आप APT कमांड या फिर PKG कमांड को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं एंड आप इसका इस्तेमाल करके कैसे कोई भी पैकेज को इंस्टॉल या फिर अनइंस्टॉल कर सकते हैं टर्मक्स में। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टर्मक्स ऐप को ओपन कर लेना है। तो मैं अपना टर्मक्स ऐप ओपन कर लिया हूँ। तो टर्मक्स को ओपन करने के बाद पहला काम आपको ये करना है, तो आपको यहाँ पे APT अपडेट लिख के एंटर कर देना है, जिससे कि आपके टर्मक्स के पैकेज का लिस्ट अपडेट हो जाएगा। एंड यही अगर आप PKG से अपडेट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे PKG अपडेट लिख के एंटर कर दीजिए, अपडेट हो जाएगा। अगर आपको बीच में Y या फिर N का ये वाला मैसेज आए तो आपको यहाँ पे Y लिख के एंटर करना है, क्योंकि यहाँ पे Y इज इक्वल टू यस एंड N इज इक्वल टू नहीं होता है। एंड अपडेट जब कंप्लीट हो जाए तो इसके बाद आपको एक और कमांड टाइप करना है जो कि है APT अपग्रेड। तो अपग्रेड कमांड ये करेगा कि आपके टर्मक्स में जो भी पैकेज इंस्टॉल था उसमें से किसी भी पैकेज का अगर कोई अपडेट आया होगा तो वो लेटेस्ट वर्जन में अपडेट हो जाएगा। तो इसके लिए आप कमांड डाल दीजिए APT अपग्रेड एंड एंटर कर दीजिए। एंड अगर आपको यहाँ भी Y या फिर N का आए तो आप यहाँ पे Y लिख के एंटर कर सकते हैं। एंड वही अगर आप PKG से करना चाहते हैं तो आप PKG अपग्रेड लिख के एंटर कर सकते हैं। तो चलिए मैं अब आपको दिखाता हूँ कि आप इंस्टॉल या फिर अनइंस्टॉल कैसे कर सकते हैं कोई भी पैकेज को अपने टर्मक्स में। तो आपको यहाँ पे कोई भी पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए हम APT कमांड का अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके लिए हम कमांड डालेंगे APT इंस्टॉल स्पेस डाल के उस पैकेज का नाम लिख देंगे जो भी हमें इंस्टॉल करना होगा। वही अगर हम PKG कमांड का यूज़ करके इंस्टॉल करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे डालेंगे PKG इंस्टॉल और पैकेज का नाम लिख देंगे एंड एंटर कर देंगे। एंड इससे आपका कोई भी पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा जो आप इंस्टॉल करना चाह रहे थे। एंड वही अनइंस्टॉल अगर आप करना चाहते हैं कोई भी पैकेज को तो उसके लिए आप कमांड डालिए APT स्पेस रिमूव स्पेस, आप उस पैकेज का नाम लिख दीजिए जिस पैकेज को आप अनइंस्टॉल करना चाहते हैं। एंड वही अगर आप PKG से करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे लिखना होगा PKG अनइंस्टॉल और एंड पैकेज का नाम लिख के एंटर कर देना, तो वो पैकेज अनइंस्टॉल हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे टर्मक्स में टोटल कितने पैकेज को आप इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप उसका लिस्ट देखने के लिए आप यहाँ पे कमांड डाल दीजिए APT स्पेस लिस्ट डाल के एंटर कर दीजिए। इससे आप सारे इंस्टॉलेबल पैकेज को आप देख सकते हो एंड यहाँ से आप कोई भी पैकेज को इंस्टॉल कर सकते हो। एंड वही अगर आप इंस्टॉल पैकेज को सिर्फ देखना चाहते हो कि कौन कौन सा पैकेज आपके टर्मक्स में इंस्टॉल है तो आप उसके लिए कमांड डालेंगे कि PKG लिस्ट इंस्टॉल। एंड ये कमांड डाल के आप एंटर कर देंगे तो आपको वो सारे पैकेज के लिस्ट मिल जाएंगे जो कि आपके टर्मक्स में ऑलरेडी इंस्टॉल है या फिर आपने कभी ना कभी इंस्टॉल किया है या फिर कोई भी पैकेज को आप टर्मक्स में सर्च करना चाहते हो। अगर मैं कोई APK के रिलेटेड कोई पैकेज को सर्च करना चाहता हूँ तो मैं कैसे कर सकता हूँ, तो उसके लिए सिंपल सा कमांड है APT स्पेस सर्च लिख के
स्पेस डाल के आप उस पैकेज का नाम लिख दीजिए जो कि आपको सर्च करना है। लाइक अगर मैं APK को सर्च करना चाहता हूँ तो यहाँ पे APK लिख के एंटर कर दूंगा एंड आप यहाँ पे देख सकते हो APK के रिलेटेड कुछ पैकेज है जो कि दिख रहा है, तो मैं इसको कोई भी इंस्टॉल कर सकता हूँ। एंड वही अगर आप PKG से सर्च करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे कमांड डालना है PKG सर्च एंड वो नाम डाल देना है जो कि आपको सर्च करना है, लाइक APK या फिर कुछ और, तो उसके रिलेटेड आ जाएगा। अगर पैकेज लिस्ट में होगा तो उसके रिलेटेड आ जाएगा। सो आज के वीडियो में बस इतना ही गाइस। अगर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना टर्मक्स ओपन कर लेना है एंड मैं भी अपना टर्मक्स ओपन कर लिया हूँ। जो मैं पहला कमांड के बारे में बात करने वाला हूँ वो है ls कमांड। तो हम ls कमांड का यूज करके क्या क्या कर सकते हैं। ls का मतलब होता है लिस्निंग, ये फाइल एंड फोल्डर को लिस्ट करता है। लाइक आप जिस भी डायरेक्टरी में हो उसमें कौन कौन से फाइल एंड फोल्डर है तो ये आपको पता नहीं है, तो आप ls कमांड लिख के एंटर कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कौन कौन से फाइल एंड फोल्डर है। जैसे कि मैं ls कमांड लिख के एंटर कर रहा हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ फाइल एंड कुछ फोल्डर दिख रहा है एंड इसमें से कुछ फाइल ऐसे होता है जो कि हिडन होता है। तो हम हिडन फाइल को देखने के लिए हम कमांड लगाएंगे ls स्पेस -a एंड जब हम ये कमांड लगाएंगे तो जितने भी फाइल एंड फोल्डर है इसमें, चाहे वो हिडन हो या फिर हिडन नहीं हो, सब इसमें लिस्ट हो जाएगा। एंड ls के बारे में और ज़्यादा जानकारी के लिए आप यहाँ पे लिख सकते हो ls स्पेस -help लिख के एंटर कर दीजिए। आपको इससे आपको और भी ls के फ्लैग्स मिल जाएंगे जिसका यूज करके आप और भी एडवांस तरीके से फाइल लिस्निंग कर सकते हो। तो हम नेक्स्ट कमांड के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट कमांड है lf कमांड। तो हम lf कमांड का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो सिंपल है कि lf कमांड इंस्टॉल नहीं आता है, आपको इसे इंस्टॉल करना होगा। तो इंस्टॉल करने के लिए मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कोई भी पैकेज को कैसे इंस्टॉल करते हैं, तो सिंपल सा कमांड है apt install lf लिख के एंटर कर दीजिए, ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा। खैर मैं इंस्टॉलेशन प्रोसेस नहीं बताने वाला हूँ आप सभी को, तो आप इंस्टॉल कर लेना खुद से, मैं कमांड सिर्फ यूज़ करके दिखा देता हूँ। आप जैसे lf कमांड लिख के एंटर करोगे तो आपके सामने डायरेक्टरी एंड फाइल कुछ इस तरह का दिखाई देगा जो कि एक स्ट्रक्चर में है एंड आपको अगर यहाँ से क्विट होना है तो आप यहाँ से सीधा क्यू प्रेस कर दीजिए, आप क्विट हो जाएंगे यहाँ से। एंड हम जो नेक्स्ट कमांड के बारे में बात करने वाले हैं वो है pwd कमांड। तो pwd कमांड का फुल फॉर्म है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। इसका मतलब ये होता है कि आप किस डायरेक्टरी में भी काम कर रहे हो एग्जैक्टली उसका लोकेशन क्या है आपको ये लोकेशन बताएगा। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे pwd लिख के एंटर कर रहा हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये टर्मक्स में मेरा अभी लोकेशन क्या है, तो ये बता रहा है। एंड हम जो नेक्स्ट कमांड के बारे में बात करने वाले हैं वो है ट्री कमांड। आपको ट्री कमांड को यूज करने से पहले आपको ट्री पैकेज को इंस्टॉल करना होगा आपके टर्मक्स में, तो उसके लिए सिंपल सा प्रोसेस है, आप लिख दीजिए apt install tree एंड एंटर कर दीजिए, ट्री इंस्टॉल हो जाएगा। एंड मैं आपको सीधा यूजेस बता देता हूँ इसके। ट्री कमांड एक्चुअली फोल्डर या डायरेक्टरी का ट्री स्ट्रक्चर दिखाता है। जैसे कि आपको इसको यूज करने के लिए ट्री लिख के स्पेस डाल के आपको उस फोल्डर का नाम लिखना है जिसका कि आप ट्री स्ट्रक्चर देखना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे एक फोल्डर का नाम लिख रहा हूँ एंड एंटर जब किया तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये ट्री स्ट्रक्चर दिख रहा है कि कौन से फोल्डर के अंदर कौन सा फाइल है, और एग्जैक्टली आप नीचे यहाँ पे ये भी देख सकते हो टोटल इस फोल्डर में कितने फोल्डर एंड फाइल है, तो आप यहाँ पे देख सकते। एंड हम जो नेक्स्ट कमांड के बारे में बात करने वाले हैं वो है cd कमांड। तो हम cd कमांड का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, तो cd का फुल फॉर्म होता है चेंज डायरेक्टरी। तो इसका मतलब ये है कि आप अगर किसी और फोल्डर में जाना चाहते हो तो आप यहाँ पे डायरेक्ट तो क्लिक करके जा नहीं सकते, तो इसके लिए आपको cd कमांड का यूज़ करना होगा। तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है एक फोल्डर है, तो इस फोल्डर में मुझे जाने के लिए cd कमांड का यूज़ करना होगा। तो मैं यहाँ पे cd लिख के स्पेस डाल के मैं उस फोल्डर का नाम लिख दूंगा जिसमें मुझे जाना है। तो यहाँ पे मैं एक फोल्डर का नाम लिख दे रहा हूँ, तो मैं इस फोल्डर के अंदर आ चुका हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे pwd करके दिखा रहा हूँ। एंड अगर आपको फिर से बैक जाना है तो बैक जाने के लिए आपको यहाँ पे cd स्पेस --" लिख के एंटर कर देना है, तो आप वहाँ से बैक आ जाओगे। अगर आपको टर्मक्स के होम डायरेक्टरी पे जाना है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट cd लिख के एंटर कर दीजिए। आप टर्मक्स के किसी भी डायरेक्टरी या फिर किसी भी फोल्डर में होंगे तो आप डायरेक्ट यहाँ पे टर्मक्स के होम डायरेक्टरी में आ जाएंगे, या फिर आप यहाँ पे cd लिख के स्पेस डाल दीजिए एंड आप यहाँ पे वो लोकेशन डाल दीजिए जिस लोकेशन पे आपको जाना है एंड लोकेशन लिख के एंटर कर दीजिए, तो आप टर्मक्स के उस डायरेक्टरी या फिर उस फोल्डर में चले जाएंगे जिसका लोकेशन आपने डाला था यहाँ पे। एंड
एंड जो हम जो नेक्स्ट कमांड के बारे में बात करने वाले हैं वो है सीपी कमांड। तो सीपी कमांड क्या करता है? सीपी का एक्चुअली फुल फॉर्म है कॉपी। तो हम इससे किसी भी फाइल या फोल्डर को कॉपी करते हैं एक जगह से दूसरे जगह पे, या फिर एक जगह से एक ही जगह पे अलग नाम के साथ। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये यूज कैसे करना है इसको। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक test1.txt नाम का एक फाइल है, तो मुझे इसको कॉपी करना है एंड कॉपीड फाइल का नाम मुझे रखना है text2.txt। तो मैं यहाँ पे कमांड लगाऊंगा cp स्पेस test1.txt स्पेस test2.txt एंड एंटर कर दूंगा। एंड आपको ls करके दिखा देता हूँ, एक फाइल कॉपी हो चुका है सेकेंड नाम से। आप एक जगह से दूसरे जगह भी कॉपी कर सकते हो फाइल एंड फोल्डर को इस कमांड की मदद से। तो उसको करने के लिए आप सिंपल है यहाँ पे cp लिख दीजिए एंड स्पेस डाल के एंड उस फाइल का नाम लिख दीजिए जिसको आपको मतलब कॉपी करना है यहाँ से, एंड स्पेस डाल के उस लोकेशन को डाल दीजिए जहाँ पे आप कॉपी करना चाहते हो। तो मैं यहाँ फिलहाल SD कार्ड में कॉपी करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे /SD कार्ड लिख दूंगा एंड एंटर कर दूंगा। तो ये मेरा इंटरनल स्टोरेज में कॉपी हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको इंटरनल स्टोरेज में ले जाके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे सिंपल सा कमांड डाल दिया हूँ ls स्पेस /SD कार्ड। तो जब मैं कमांड एंटर किया तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि तो जो फाइल मैंने कॉपी किया था वो फाइल यहाँ पे आ चुका है। एंड अगर आपको कोई फोल्डर कॉपी करना है इससे तो उसके लिए भी सिंपल सा कमांड है cp, लेकिन इसके साथ आपको एक आर्ग्यूमेंट को यूज करना होगा। तो वो आर्ग्यूमेंट है -r मतलब रिकर्सिव। तो cp स्पेस -r लिखोगे एंड उस फोल्डर का नाम लिखना है जो कि आपको कॉपी करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेस्ट, जो कि आप देख सकते हैं टेस्ट एक फोल्डर है। तो मैं इस फोल्डर को कॉपी करना चाहता हूँ SD कार्ड में एंड स्पेस डाल के मैं यहाँ पे SD कार्ड लिख दूंगा /SD कार्ड एंड एंटर कर दूंगा। तो ये मेरा SD कार्ड में कॉपी हो जाएगा ये फोल्डर। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ SD कार्ड में कौन कौन से फाइल एंड फोल्डर हैं। तो मैं ls/SD कार्ड करता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो न्यू फाइल ऐड हो चुका है इसमें टेस्ट। एंड हम जो नेक्स्ट कमांड के बारे में बात करने वाले हैं वो है mv कमांड। mv कमांड मूव का शॉर्ट फॉर्म है, मतलब mov जो मूव होता है तो उसका शॉर्ट फॉर्म है mv। तो हम इसका यूज़ करके कोई भी फाइल एंड फोल्डर को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। तो मूव करने के लिए सिंपल सा कमांड है mv स्पेस, आपको उस फाइल या फोल्डर का नाम लिखना है जिसको आपको मूव करना है, तो वो लिख दिया हमने एंड स्पेस डाल के जहाँ पे इसको मूव करना है उस लोकेशन का नाम लिख देंगे यहाँ पे। तो लोकेशन का नाम लिख के एंटर कर दीजिए तो ये फाइल या फोल्डर आप वहाँ पे मूव हो जाएगा। एंड यहाँ पे आप डायरेक्ट मूव भी कर सकते हो एंड हम इसका इस्तेमाल नाम चेंज करने के लिए भी करते हैं। कोई भी फाइल या फोल्डर का नाम अगर चेंज करना हो तो उसके लिए भी हम mv कमांड का यूज़ करते हैं। तो हम नाम चेंज करने के लिए सिंपल सा कमांड डालेंगे mv स्पेस, हम जिस फाइल या फोल्डर का नाम चेंज करना चाहते हैं उसका नाम लिखेंगे एंड स्पेस डाल के हम वो नया नाम लिख देंगे जो कि हमें रखना है। जैसे कि मुझे टेस्ट फोल्डर का नाम रखना है टेस्ट mv, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा टेस्ट mv एंड एंटर कर दिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो टेस्ट फोल्डर था उसका नाम टेस्ट mv हो चुका है। तो आज मैं आप सभी को ये बताने वाला हूँ कि आप टर्मक्स में कोई भी फाइल या फिर फोल्डर को क्रिएट या फिर रिमूव कैसे कर सकते हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना टर्मक्स ऐप ओपन कर लेना है एंड चलिए मैं भी अपना टर्मक्स ऐप ओपन कर लेता हूँ। एंड ओपन करने के बाद चलिए मैं आपको ये दिखाता हूँ कि इसमें कोई भी फाइल को कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो फाइल को क्रिएट करने के लिए सिंपल सा कमांड है, आप यहाँ पे टच लिख के स्पेस डाल के आपको फाइल का नाम लिख देना है जिस नाम से आप फाइल को क्रिएट करना चाहते हो एंड लिख करके एंटर कर देना है। एंड जैसे ही आप एंटर करोगे तो आपके टर्मक्स में एक एम्प्टी फाइल बन जाएगा। तो चलिए मैं आपको ls करके दिखा देता हूँ एंड आप यहाँ पे देख सकते हो एक फाइल है यहाँ पे test1.txt नाम से। एंड आप चाहो तो मल्टीपल फाइल बना सकते हो एक साथ में। तो मल्टीपल फाइल बनाने के लिए भी आपको यहाँ पे सेम कमांड का यूज़ करेंगे हम टच, एंड टच लिख के स्पेस डाल के आपको फाइल का नाम लिख देना है। जैसे मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि test2 से test4 तक का मैं फाइल बनाऊँ, तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा test2 एंड इसी तरह मैं लिखता जाऊँगा जितना भी मुझे फाइल का बनाना होगा, मतलब जितना भी मुझे यहाँ पे फाइल क्रिएट करना होगा सारे फाइल का नाम मैं एक साथ लिख दूँगा स्पेस डाल के एंड एंटर करूँगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सारे फाइल यहाँ पे बन चुके हैं। तो ये तो हो गई कि आप फाइल कैसे बना सकते हो। तो चलिए मैं अब आपको ये दिखाता हूँ कि आप टर्मक्स में कोई भी डायरेक्टरी को कैसे बना सकते हो। तो आपको अगर पता नहीं है कि डायरेक्टरी क्या होता है तो आपको मैं बता दूँ कि आपके जो फोन में फोल्डर होता है, फोल्डर को ही हम टर्मक्स में डायरेक्टरी बोलते हैं।
तो डायरेक्टरी को बनाने के लिए यहाँ पे भी एक सिंपल सा कमांड है। हम डायरेक्टरी को बनाने के लिए mkdir कमांड का यूज़ करते हैं। तो उसके लिए कमांड लगा दीजिए कोई भी डायरेक्टरी को बनाने के लिए, mkdir स्पेस डाल के आपको डायरेक्टरी का नाम लिख देना है जिस नाम से आप डायरेक्टरी को बनाना चाहते हो, एंड लिख करके एंटर कर देना है। एंड जैसे ही आप एंटर करोगे तो आपके थर्मक्स में वो डायरेक्टरी बन जाएगा। तो आप यहाँ पे फाइल की तरह ही मल्टीपल डायरेक्टरी बना सकते हो एक साथ में। तो उसके लिए कमांड लगा दीजिए mkdir स्पेस, आपको सारे डायरेक्टरी का नाम लिख देना है जिस डायरेक्टरी को आप बनाना चाहते हो, एंड सारे डायरेक्टरी के बीच में आपको स्पेस डालना जरूरी है, एंड लिख करके एंटर कर देना है यहाँ पे आपको। एंड जैसे ही आप एंटर करोगे तो एंटर करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो सारे फोल्डर बन चुके हैं जो भी हमने अभी बनाया है। एंड तो चलिए ये तो हो गया कि आप कोई भी फाइल या फिर डायरेक्टरी को कैसे बना सकते हो अपने टर्मक्स में। तो चलिए इसे रिमूव करना भी सीख लेते हैं क्योंकि ये भी आपको ज़रूरत पड़ने वाला है। कोई भी फाइल या फिर फोल्डर को रिमूव करने के लिए हम जिस कमांड का इस्तेमाल करते हैं वो है rm कमांड। rm एक्चुअली रिमूव का शॉर्ट फॉर्म है। तो इसी का इस्तेमाल करके हम कोई भी फाइल या फिर फोल्डर को डिलीट करते हैं। तो फाइल को डिलीट करने के लिए आप यहाँ पे सिंपल सा कमांड लगा दीजिए rm स्पेस डाल के उस फाइल का नाम लिख दीजिए जिसे आपको डिलीट करना है, एंड लिख करके एंटर कर दीजिए। एंड जैसे ही आप एंटर करोगे तो आपका फाइल डिलीट हो जाएगा। जिस तरह आप मल्टीपल फाइल बना सकते थे एक साथ में, उसी तरह आप मल्टीपल फाइल को डिलीट भी एक साथ में कर सकते हो। तो उसके लिए भी सेम टेक्निक है, rm लिख के स्पेस डाल के उस सारे फाइल का नाम लिख देना है स्पेस डाल के जो कि आप डिलीट करना चाहते हो, लिख करके एंटर कर देना है। एंड जैसे ही आप एंटर करोगे तो वो सारे फाइल डिलीट हो जाएगा जो आपने मेंशन किया था। तो चलिए मैं आपको ये दिखाता हूँ कि आप कोई भी डायरेक्टरी को कैसे डिलीट कर सकते हो rm कमांड की हेल्प से। क्योंकि आप अगर यहाँ पे rm लिख के स्पेस डालकर डायरेक्टरी का नाम लिख के एंटर करोगे तो कोई भी डायरेक्टरी डिलीट नहीं होने वाला है, क्योंकि एक फाइल नहीं है ना। फाइल है तो अगर फाइल होता है तो हम सिंपली डिलीट कर देते हैं इसे, लेकिन फोल्डर इसे सिंपली डिलीट नहीं हुआ। हम इसके साथ कुछ आर्ग्यूमेंट यूज़ करेंगे इसका। तो फोल्डर को डिलीट करने के लिए यहाँ पे सिंपल सा कमांड लगाएंगे rm स्पेस -rm। -rm का मतलब है, r का मतलब है रिकर्सिव एंड f का मतलब यहाँ पे फोर्सफुली है, मतलब हम इस फोल्डर को ज़बरदस्ती डिलीट करना चाहते हैं। एंड आप चाहो तो यहाँ पे -v भी लगा सकते हो, rf के साथ आप v भी लगा सकते हो। v एक्चुअली वर्बोस आउटपुट के लिए होता है। आपको स्क्रीन पे ये दिखता रहेगा कि कौन सा फाइल एंड कौन सा फोल्डर डिलीट हो रहा है अभी। तो आप यहाँ पे v चाहो तो लगाओ या फिर ना लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एंड स्पेस डाल के आपको उस फोल्डर का नाम लिख देना है जो कि आप डिलीट करना चाहते हो, एंड लिख करके एंटर कर देना है। जैसे ही आप एंटर करोगे तो वो फोल्डर डिलीट हो जाएगा आपके टर्मक्स से। एंड आप इसमें भी मल्टीपल फोल्डर को एक साथ डिलीट कर सकते हो। तो उसके लिए भी सेम टेक्निक है, rm स्पेस -rf लिख के स्पेस डाल के उस सारे फोल्डर का नाम लिख दीजिए जो कि आप डिलीट करना चाहते हो, एंड लिख करके एंटर कर दीजिए। एंड जैसे ही आप एंटर करोगे आप देखोगे कि आपने यहाँ पे जो भी फोल्डर मेंशन किया था वो सारे डिलीट हो चुके हैं। आई होप गाइस कि आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिला होगा। तो आज मैं आप सभी को यह बताने वाला हूँ कि आप किसी भी तरह का स्क्रिप्ट फाइल को टर्मक्स में कैसे रन कर सकते हो, चाहे वो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा गया स्क्रिप्ट हो। आप तो इस वीडियो को देखने के बाद उसे रन करना सीख जाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे टर्मक्स ओपन कर देता हूँ, एंड आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास कुछ फाइल्स हैं जिसको कि मैं आपको रन करके दिखाने वाला हूँ। तो चलिए मैं एक एक करके सारे फाइल को रन करके दिखाता हूँ आपको, आप किस तरह से फाइल को रन कर सकते हो। कोई भी स्क्रिप्ट फाइल को रन करने से पहले आपको यह जानना बहुत ज़रूरी है कि वो स्क्रिप्ट फाइल किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा गया है, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलग अलग तरह के होते हैं। पाइथन होता है, रूबी होता है, पर्ल होता है, बैश स्क्रिप्टिंग होता है, एंड इसी तरह और अलग अलग होते हैं। तो आप पता कैसे लगाओगे कि वो किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा गया है? तो उसके लिए सिंपल सा मेथड है कि आप उस फाइल का एक्सटेंशन देख लो। जैसे अगर .py है तो इसका मतलब है कि वो पाइथन में लिखा हुआ है, एंड .sh अगर लिखा है इसका मतलब ये है कि वो बैश स्क्रिप्टिंग में लिखा गया है। एंड इसी तरह अलग अलग फाइल के अलग अलग एक्सटेंशंस होते हैं। तो चलिए मैं एक एक करके सारे फाइल को रन करके दिखा देता हूँ। तो हमारे पास जो पहला फाइल है वो है PHP का। तो इस फाइल को रन करने के लिए मैं यहाँ पे सिंपल सा कमांड लगा दूंगा PHP स्पेस, हमारे पास जो PHP का फाइल था हम उसको लिख देंगे। एंटर करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपके टर्मक्स में PHP अगर इंस्टॉल नहीं है तो आप उसको पैकेज मैनेजर के द्वारा इंस्टॉल कर सकते हो। एंड कोई भी पैकेज को टर्मक्स में कैसे इंस्टॉल करते हैं अगर आपको ये नहीं पता है तो आप हमारे इसका प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने बता दिया हूँ कि
कैसे कोई भी पैकेज को टर्मक्स में इंस्टॉल और अनइंस्टॉल करते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे एंटर प्रेस कर देता हूँ, एंड जैसे मैंने एंटर प्रेस किया तो आप यहाँ पे देख सकते हो फाइल रन हो चुका है। तो आप इसी तरह और भी अलग अलग फाइल्स को रन कर सकते हो उसके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हिसाब से। आपको सिंपल सा है कि आपको यहाँ पे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम लिखना है एंड स्पेस डाल के आपको उस फाइल का नाम लिख देना है एंड एंटर कर देना है, एंड जैसे आप एंटर करोगे तो वो रन हो जाएगा। एंड अगर आपको एक्सटेंशन से समझ में नहीं आ रहा है कि ये कौन सा फाइल है तो उसके लिए भी मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। पहले तो आप गूगल पे चले जाओ, एंड गूगल पे जाने के बाद आपको एक्सटेंशन लिख देना है। लाइक अगर मेरे पास समझे यहाँ पे .py है और मुझे नहीं पता है कि ये किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा गया है, तो मैं यहाँ पे सिंपल सा लिख दूंगा हाउ टू रन .py फाइल इन टर्मक्स, एंड लिख करके एंटर कर दूंगा। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो सर्च रिजल्ट में हमें पता चल रहा है कि .py एक्चुअली पाइथन का फाइल है, और पाइथन का है तो हम पाइथन से रन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि टर्मक्स API क्या है एंड उसका इंस्टॉलेशन देखेंगे इस वीडियो में। एंड जो सेकंड पार्ट आने वाला है इसका, तो उसमें हम लगभग सारे कमांड कवर करने वाला टर्मक्स API का। तो चले बिना टाइम वेस्ट के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चले पहले मैं आपको बताता हूँ कि टर्मक्स API क्या है। तो टर्मक्स API, अगर आपको पता नहीं है कि API क्या है, तो API से आपको ये पता लगना चाहिए कि API एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग लेयर होता है। मतलब ये कि आप टर्मक्स API के थ्रू ही आप अपने फ़ोन का लगभग ऑलमोस्ट सारे फीचर यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। जैसे कि यहाँ से आप किसी को कॉल लगा सकते हो, फ़ोन को स्विच ऑफ कर सकते हो, लॉक कर सकते हो, या फिर अपना लोकेशन चेक कर सकते हो, या फिर कोई एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हो, या फिर कोई लिंक को ओपन कर सकते हो। मतलब ये कि आप टर्मक्स में ही आप टर्मक्स API के हेल्प से अपने फ़ोन का पूरा फीचर यूज कर सकते हो। तो ये है टर्मक्स API। एंड तो चलिए इसका इंस्टॉलेशन देख लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको इस सीरीज के फर्स्ट पार्ट में आपको बताया था कि टर्मक्स किस तरह इंस्टॉल करते हैं, एंड टर्मक्स API को भी हमने वहाँ पे इंस्टॉल करना देखा था। एंड अगर आपको वहाँ से टर्मक्स API को इंस्टॉल नहीं करना है तो आप गूगल प्ले स्टोर पे चले जाइए, एंड यहाँ से भी आप टर्मक्स API को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। एंड जब एक बार एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाए, आपको अपने फ़ोन के सेटिंग में चले जाना है, एंड यहाँ पे आपको एक चीज़ सर्च करना है जो कि मैनेज ऐप्स। तो आपको मैनेज ऐप्स सर्च करके इस पे टैप कर देना है, एंड यहाँ पे आपको सर्च करना है टर्मक्स API। एंड टर्मक्स API को सर्च करने के बाद इस पे टैप कर दीजिए आप, तो टर्मक्स API का ऐप इन्फो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। एंड यहाँ पे आपको कुछ परमिशन को अलाउ करना है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऐप परमिशंस, तो इस पे क्लिक कर दीजिए एंड वन बाय वन सारे परमिशन को अलाउ कर दीजिए। एंड ये पूरा सेफ है, आपका फ़ोन हैक नहीं होने वाला इससे, क्योंकि आप टर्मक्स API को खुद ही यूज करने वाले हो टर्मक्स के थ्रू। इसके बाद आप बैक आ जाइए, एंड यहाँ पे आपको अदर परमिशंस का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पे भी सबको अलाउ कर दीजिए। एंड जब सारा अलाउ हो जाए तो आपको अपने टर्मक्स ऐप में आना है। तो आप अपना टर्मक्स ऐप को ओपन कीजिए। तो टर्मक्स ओपन करने के बाद आपको टर्मक्स API को अब इसमें इंस्टॉल करना होगा। तो टर्मक्स API को इंस्टॉल करने से पहले आपको अपने टर्मक्स को अपडेट एंड अपग्रेड कर लेना होगा, ताकि टर्मक्स API को इंस्टॉल करने में कोई एरर ना हो। तो यहाँ पे अपडेट एंड अपग्रेड जब हो जाए तो आपको यहाँ पे एक कमांड रन करना है जो कि APT इंस्टॉल टर्मक्स API। तो ये कमांड एक्चुअली ये करेगा कि आपके टर्मक्स में टर्मक्स API को इंस्टॉल कर देगा, एंड जो हमने एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया था टर्मक्स API का, तो वो हेल्प करेगा कोई भी फीचर को एक्सेस करने में यहाँ से। तो फर्स्ट पार्ट में बस इतना ही गाइस। तो मैं यहाँ पे अपना टर्मक्स ऐप को ओपन कर लिया हूँ। तो चलिए मैं टर्मक्स API के कमांड्स को वन बाय वन रन करके दिखाता हूँ आपको। हमारे पास जो पहला कमांड है वो है टर्मक्स बैटरी स्टेटस। मतलब हम इस कमांड की मदद से हम अपने फ़ोन के बैटरी का स्टेटस देख सकते हैं। एंड जो हमारे पास सेकंड कमांड है वो है टर्मक्स ब्राइटनेस। तो हम टर्मक्स की मदद से अपने फ़ोन का ब्राइटनेस को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो कम या ज़्यादा करने के लिए आपके पास यहाँ पे 0 से लेके 255 नंबर तक डिजिट होता है। सो अगर आपको सबसे हाई करना है तो आप टर्मक्स ब्राइटनेस लिख के 255 लिख दीजिए, ये मैक्सिमम ब्राइटनेस तक पहुंच जाएगा। अगर आपको पूरा तरह से लो कर देना है देन आप यहाँ पे टर्मक्स ब्राइटनेस 0 कर सकते हो, एंड आप अपने हिसाब से ब्राइटनेस को सेट कर सकते हो यहाँ से। एंड आप चाहो तो ऑटो ब्राइटनेस का भी यूज़ कर सकते हो, वो भी फीचर इसमें दिया गया है। हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड है टर्मक्स कॉल लॉग,
तो हम इस कमांड की मदद से अपने फ़ोन में रिसेंट कॉल लॉग जो है हम उसको देख सकते हैं। तो उसके लिए सिंपल सा है, कमांड लगा दीजिए टर्मक्स हाइफन कॉल हाइफन लॉग, लिख के एंटर कर दीजिए तो आपके फ़ोन का रिसेंट कॉल लॉग यहाँ पे शो कर जाएगा। एंड हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड है वो है टर्मक्स कैमरा इन्फो। तो हम इस कमांड की मदद से अपने डिवाइस में जो भी कैमरा है तो कैमरे का हम पूरा डिटेल यहाँ से देख सकते हैं। तो उसके लिए आप सिंपल सा कमांड लगा दीजिए टर्मक्स हाइफन कैमरा हाइफन इन्फो एंड लिख करके एंटर कर दीजिए। तो यहाँ पे सारा डिटेल आ जाएगा कि आपके फ़ोन का कैमरा कितना रेजोल्यूशन तक फोटो क्लिक कर सकता है, मतलब आपके कैमरे का जितना भी फीचर होगा यहाँ पे सारा शो कर जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कमांड की तरफ। हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड है वो है टर्मक्स कॉन्टैक्ट लिस्ट का। तो हम इस कमांड की मदद से अपने फ़ोन में जितने भी कॉन्टैक्ट लिस्ट है उसको यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं, मतलब बिना हम किसी ऐप में घुसे ही यहाँ से कॉन्टैक्ट लिस्ट को चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए कमांड लगा दीजिए टर्मक्स हाइफन कॉन्टैक्ट हाइफन लिस्ट लिख के एंटर कर दीजिए। एंड जैसे ही आप एंटर करोगे तो आपके यहाँ पे टर्मक्स में कॉन्टैक्ट लिस्ट ओपन हो जाएगा, मतलब यहाँ पे कॉन्टैक्ट प्रिंट हो जाएगा, आपके फ़ोन में जितने भी कॉन्टैक्ट होगा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। एंड हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड है वो है टर्मक्स डाउनलोड। तो हम इस कमांड की मदद से कोई भी फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं टर्मक्स के थ्रू, मतलब आपको बस URL का ज़रूरत है तो आप कहीं से भी URL ले लीजिए एंड टर्मक्स में टर्मक्स हाइफन डाउनलोड लिख के स्पेस डाल के URL लिख के एंटर कर दीजिए तो वो डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने में कुछ टाइम लग सकता है, वो आपके इंटरनेट की स्पीड पे डिपेंड करता है। तो हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड है वो है टर्मक्स फिंगरप्रिंट का। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि अगर आपके फ़ोन में फिंगरप्रिंट है तभी ये कमांड काम करेगा, अगर आपके फ़ोन में फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है तो फिर ये कमांड आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये फिंगरप्रिंट स्कैनर का यूज़ करता है। तो आप टर्मक्स हाइफन फिंगरप्रिंट लिख के एंटर करोगे तो आपके सामने एक फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन का आ जाएगा, तो आप यहाँ से फिंगरप्रिंट को ऑथेंटिकेट कर सकते हो। एंड हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड है वह टर्मक्स लोकेशन। तो आप टर्मक्स लोकेशन का यूज़ करके आपके डिवाइस का जो लोकेशन होगा, मतलब लेटीट्यूड और लॉन्गीट्यूड, वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। एंड मैं यहाँ पे अपना लोकेशन ब्लर कर दे रहा हूँ। एंड हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड है वह टर्मक्स मीडिया प्लेयर का, मतलब ये है इसमें कि आप यहाँ से ही कोई भी ऑडियो फाइल को प्ले कर सकते हो। तो कोई भी ऑडियो फाइल को प्ले करने के लिए यहाँ पे आपको सिंपल सा कमांड लगाना है टर्मक्स हाइफन मीडिया हाइफन प्लेयर एंड प्लेयर लिख के स्पेस डाल के प्ले लिख देना है एंड स्पेस डाल के आपको उस फाइल का नाम लिख देना है जो कि आपका ऑडियो फाइल है एंड लिख करके एंटर कर देना है। तो ये टर्मक्स के बैकग्राउंड में वो मीडिया फाइल प्ले होने लगेगा। एंड हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड है वो है टर्मक्स मीडिया स्कैन। तो आप टर्मक्स मीडिया स्कैन का यूज़ करके कोई भी फाइल को चेक कर सकते हो कि वो मलिशियस है या नहीं, मतलब वो कोई वायरस वाला फाइल है या फिर एक नॉर्मल फाइल है, आप इससे चेक कर सकते हो। एंड हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड है वो है टर्मक्स माइक्रोफोन रिकॉर्ड। तो हम इससे अपने माइक्रोफोन को रिकॉर्ड कर सकते हैं टर्मक्स के थ्रू ही, इसमें हमें कोई रिकॉर्डर वाले ऐप का ज़रूरत नहीं है। तो रिकॉर्ड करने के लिए आप यहाँ पे कमांड लगा दीजिए टर्मक्स हाइफन माइक्रोफोन हाइफन रिकॉर्ड एंड स्पेस डाल के हाइफन डी डाल दीजिए रिकॉर्डिंग के लिए एंड लिख करके आप एंटर कर दीजिए, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा। एंड अगर आपको रिकॉर्डिंग को स्टॉप करना है या फिर ओवर करना है तो आप यहां से टर्मक्स हाइफन माइक्रोफोन हाइफन रिकॉर्ड एंड स्पेस डाल के हाइफन क्यू लिख दीजिए क्विट के लिए एंड लिख करके एंटर कर दीजिए। तो आपका जो मीडिया फाइल है, मतलब जो आपने अभी रिकॉर्ड किया, तो वो डायरेक्ट आपके इंटरनल स्टोरेज के होम डायरेक्टरी में सेव हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट कमांड की तरफ। एंड हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड है वो है टर्मक्स सेंसर का। तो हम इस कमांड की मदद से हमारे फ़ोन में जितने भी सेंसर लगे होते हैं उसका कंप्लीट डिटेल हम देख सकते हैं, मतलब हम उसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं वो भी टर्मक्स के थ्रू। तो इन्फॉर्मेशन देखने के लिए सिंपल सा कमांड लगा दीजिए टर्मक्स हाइफन सेंसर एंड स्पेस डाल के हाइफन ए लिख दीजिए ऑल के लिए एंड लिख करके एंटर कर दीजिए। एंड यहाँ पे आपको कुछ देर लग सकता है इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करने में, तो आप चाहो तो तब तक वेट कर सकते हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो धीरे धीरे इन्फॉर्मेशन आना स्टार्ट हो चुका है। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल सी करके फ़िलहाल कैंसिल कर दे रहा हूँ क्योंकि मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए अभी। एंड हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड है वो है टर्मक्स SMS लिस्ट का। तो इस कमांड की मदद से आपके फ़ोन में SMS लिस्ट में जितने भी SMS पड़े होंगे वो आप टर्मक्स के थ्रू ही चेक कर सकते हो। तो उसके लिए आप कमांड लगा दीजिए टर्मक्स हाइफन SMS हाइफन लिस्ट लिख के एंटर कर दीजिए। इससे होगा ये कि आपके फ़ोन में जितने भी SMS पड़े हैं
वो सारे यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे। एंड हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड है वो है टर्मक्स हाइफन स्टोरेज हाइफन गेट का। तो इस कमांड की मदद से हम अपने स्टोरेज से किसी भी फाइल को यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए कमांड लगा दीजिए टर्मक्स हाइफन स्टोरेज हाइफन गेट एंड स्पेस डाल के आउटपुट फाइल का नाम लिख दीजिए कि आप किस फाइल के नाम से इंपोर्ट करना चाहते हो फाइल को। एंड फाइल का नाम लिख के एंटर कर दीजिए तो आपके सामने यहाँ पे सिलेक्शन बॉक्स आ जाएगा। तो आप यहाँ से कोई भी फाइल को सिलेक्ट कर लीजिए तो वो टर्मक्स में आ जाएगा उसी नाम से जिस नाम को आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया था। एंड हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड है वो है टर्मक्स टेलीफोनिक कॉल का। तो हम इस कमांड की मदद से टर्मक्स से ही किसी को भी कॉल लगा सकते हैं। तो उसके लिए सिंपल सा कमांड लगा दीजिए टर्मक्स हाइफन टेलीफोनी हाइफन कॉल एंड स्पेस डाल के कंट्री कोड के साथ उस व्यक्ति का नंबर डाल दीजिए जिसको आप कॉल करना चाहते हो एंड लिख करके एंटर कर दीजिए। ये अपने आप कॉल लगा देगा। एंड हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड है वो है टर्मक्स टेलीफोनी सेल इन्फो का। तो ये कमांड एक्चुअली ये करता है कि आपके डिवाइस में जो कॉल लगाने के लिए जितने भी रिसोर्सेज का ज़रूरत पड़ता है उसको ये स्कैन करके उसका इन्फॉर्मेशन देगा आपको। तो उसके लिए कमांड लगा दीजिए टर्मक्स हाइफन टेलीफोनी हाइफन सेल इन्फो का एंड लिख करके एंटर कर दीजिए तो आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। एंड हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड है वह टर्मक्स टेलीफोनी डिवाइस इन्फो का। तो ये कमांड एक्चुअली ये करता है कि आपके डिवाइस में जितने भी ऐप वगैरह अवेलेबल होगा ये जो कि कॉलिंग में मदद करता है एंड नेटवर्क वगैरह सारा डिटेल ये आपको दे देगा एक ही बार में। तो उसके लिए कमांड लगा दीजिए टर्मक्स हाइफन टेलीफोनी हाइफन डिवाइस इन्फो एंड लिख करके एंटर कर दीजिए तो ये सारा डिटेल आपके सामने प्रिंट कर देगा। एंड हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड है वह है टर्मक्स टोस्ट का। तो ये आपके लिए इंटरेस्टिंग हो सकता है। आपने देखा होगा कि जब भी आपने कोई मोड गेम या फिर मोड ऐप को डाउनलोड करते हो तो ऐप को ओपन करते ही एक मैसेज आता है जो कि होता है मॉडिफाइड बाय या फिर हैक्ड बाय एंड जिसने हैक किया होता है उसका नाम लिखा होता है। तो उसी तरह आप यहाँ पे कर सकते हो। तो उसके लिए आप कमांड लगा दीजिए टर्मक्स हाइफन टोस्ट एंड स्पेस डाल के वो वर्ड लिख दीजिए दो जो कि आपको पॉपअप करवाना है एंड लिख करके एंटर कर दीजिए तो ये भी सेम टू सेम यहाँ पे पॉपअप हो जाएगा एंड हम इसको टोस्ट मैसेज बोलते हैं। एंड हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड है वो है टर्मक्स टॉर्च का। तो हम इस कमांड की मदद से अपने डिवाइस का फ्लैश लाइट ऑन कर सकते हैं वो भी बिना किसी ऐप के। डायरेक्ट टर्मक्स से ही हम फ्लैश लाइट को ऑन कर सकते हैं एंड ऑफ भी कर सकते हैं। तो उसके लिए कमांड लगा दीजिए टर्मक्स हाइफन टॉर्च एंड स्पेस डाल के ऑन लिख दीजिए ऑन करने के लिए एंड जब आपको ऑफ करना हो तो ऑफ लिख के एंटर कर दीजिए फ्लैश लाइट ऑफ हो जाएगा। एंड हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड है वह है टर्मक्स टीटीएस इंजन का। तो आप इस कमांड की मदद से ये पता लगा सकते हो कि आपके डिवाइस में जो टीटीएस इंजन है वो कौन सा है, मतलब कि जो टेक्स्ट से स्पीच में कन्वर्ट करता है वो कौन सा इंजन है आपके डिवाइस में। लाइक अगर मैं यहाँ पे टर्मक्स हाइफन टीटीएस हाइफन इंजन लिख के एंटर करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ क्लियरली हमें पता चल रहा है कि ये गूगल का टीटीएस इंजन हमारे डिवाइस में यूज़ हो रहा है। एंड आप यहाँ पे चाहो तो किसी वर्ड को वॉइस में भी कन्वर्ट करा सकते हो, मतलब टेक्स्ट टू स्पीच करा सकते हो यहाँ पे। तो उसके लिए कमांड लगा दीजिए टर्मक्स हाइफन टीटीएस हाइफन स्पीक लिख के एंड स्पेस डाल के वो वर्ड या फिर सेंटेंस लिख दीजिए जो कि आप वॉइस में कन्वर्ट कराना चाहते हो एंड लिख करके एंटर कर दीजिए। तो ये यहाँ पे कुछ समय ले सकता है एंड इसके बाद यहाँ पे आपको जो आपने वर्ड लिखा था या फिर सेंटेंस लिखा था तो उसका वॉइस जनरेट होके आपके सामने स्पीकर पे बजने लगेगा। एंड हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड है वह है टर्मक्स यूएसबी का। तो आप इस कमांड की मदद से आपके डिवाइस में अगर कोई यूएसबी कनेक्टेड होगा तो आप उसका इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। तो उसके लिए कमांड लगा दीजिए टर्मक्स हाइफन यूएसबी स्पेस हाइफन एल एंड लिख करके एंटर कर दीजिए। हाइफन एल हम यहाँ पे इसीलिए यूज़ किए क्योंकि हमें लिस्ट देखना है एंड लिख करके एंटर कर दिए एंड यहाँ पे जितना भी यूएसबी कनेक्टेड होगा तो उसका इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। तो फिलहाल मेरे डिवाइस में कोई यूएसबी कनेक्टेड नहीं है तो यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं बता रहे। नेक्स्ट कमांड है हमारे पास टर्मक्स वाइब्रेट। तो आप इस कमांड की मदद से अपने फ़ोन को वाइब्रेट करा सकते हो। तो उसके लिए आप कमांड लगा दीजिए टर्मक्स हाइफन वाइब्रेट लिख के एंटर कर दीजिए तो आपका फ़ोन एक दो सेकंड के लिए वाइब्रेट होने लगेगा। तो हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड है वह है टर्मक्स वॉल्यूम का। तो हम इस कमांड की मदद से हमारे फ़ोन में कौन सा वॉल्यूम कितना पे सेट है तो उसका इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं।
तो उसके लिए आप कमांड लगा दीजिए टर्मक्स हाइफन वॉल्यूम एंड लिख के एंटर कर दीजिए, तो आपके डिवाइस का वॉल्यूम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो कर जाएगा। हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड है वो वाईफाई के रिलेटेड है, जो कि है टर्मक्स वाईफाई कनेक्शन इन्फो। तो आप इस कमांड की मदद से अगर आपके फ़ोन में वाईफाई कनेक्टेड होगा तो उसका इन्फॉर्मेशन देख सकते हो यहाँ से। एंड हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड है वो है टर्मक्स वाईफाई इनेबल। तो आप इस कमांड की मदद से टर्मक्स से ही वाईफाई को ऑन और ऑफ कर सकते हो। अगर ऑन करना है तो उसके लिए आप कमांड लगा दीजिए टर्मक्स हाइफन वाईफाई हाइफन इनेबल लिख के स्पेस डाल के ट्रू लिख दीजिए, ट्रू ऑन के लिए होता है, एंड ट्रू लिख के एंटर कर दीजिए तो वाईफाई इनेबल हो जाएगा। एंड अगर आपको ऑफ करना है तो आप ट्रू के जगह पे फॉल्स लिख के एंटर कर दीजिए, वाईफाई ऑफ हो जाएगा। हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड है वो है टर्मक्स वाईफाई स्कैन इन्फो। तो आप इस कमांड की मदद से ये चेक कर सकते हो कि आपके डिवाइस में कितने वाईफाई कनेक्टेड हैं। तो मुझे लगता है कि मैंने टर्मक्स एपीआई का ऑलमोस्ट सारे कमांड को कवर कर लिए हैं। एंड इसके बाद भी अगर कोई कमांड बचा हुआ होगा तो आपको स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, तो आप उसको मैन्युअली चेक कर सकते हो। मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप टर्मक्स में कोई भी टूल को कैसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो, जो कि टर्मक्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हम टर्मक्स को इसीलिए तो डाउनलोड करके यूज करते हैं ताकि हम उससे कोई भी टूल को रन करके या फिर किसी भी स्क्रिप्ट को रन करके हैक कर सके कोई भी चीज़। ओके, तो देखो टर्मक्स में हम कोई भी टूल को डाउनलोड या फिर इंस्टॉल करने के लिए हम यूज करते हैं गिटहब का। गिटहब से मेरा मतलब है कि गिटहब पे जो भी कोड अवेलेबल है हम उसी का यूज करते हैं हैकिंग के लिए। अगर आपके पास खुद का स्क्रिप्ट नहीं है तो आप दूसरे का ही स्क्रिप्ट यूज करोगे ना, तो दूसरे का स्क्रिप्ट आपको गिटहब पे मिल जाएगा एंड वो ऑलमोस्ट सारे फ्री ही मिल जाते हैं। तो देखो कोई भी टूल को इंस्टॉल करने के लिए पहले आपके पास होना चाहिए उस टूल का गिटहब पेज का लिंक। तो लिंक लेने के लिए आप यहाँ गूगल या फिर क्रोम को ओपन कर लीजिए, एंड ओपन करने के बाद आपको पहले टूल का नाम लिख देना है, फिर लिखने के बाद इस पे डाल के गिटहब लिख के सर्च कर दीजिए, तो आपके सामने बहुत सारे रिजल्ट आ जाएंगे। तो यहाँ से आप किसी भी लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप उसका ये गिटहब पेज देख सकते हैं। एंड आप यहाँ पे क्रोम पे सर्च बार पे टैप करेंगे एंड ये पूरा का पूरा यूआरएल कॉपी कर लेंगे। अब आपके पास गिटहब टूल का लिंक आ चुका है। तो अब चलिए बढ़ते हैं टर्मक्स की तरफ, जहाँ पे हम मेन स्टेप को परफॉर्म करने वाले हैं। तो टर्मक्स को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको पहले टर्मक्स को अपडेट एंड अपग्रेड कर लेना होगा, क्योंकि हम यहाँ पे एक पैकेज को इंस्टॉल करने वाले हैं, और हम अगर कोई भी पैकेज को इंस्टॉल करते हैं तो उससे पहले हमें टर्मक्स को अपडेट एंड अपग्रेड करना होता है, ताकि हम जो भी पैकेज को इंस्टॉल करें वो अपने लेटेस्ट वर्जन में इंस्टॉल हो जाए एंड यूज करते वक्त कोई एरर जनरेट करके ना दे। तो अपडेट एंड अपग्रेड करने के बाद आपको यहाँ पे एक कमांड लगाना है apt install git। तो हम एक्चुअली गिटहब का जो लिंक हमने कॉपी किया था तो हम उसकी मदद से एंड हमारे टर्मक्स में एक पैकेज आता है गिट, तो इन दोनों की मदद से ही हम टूल को करेंगे इंस्टॉल। ओके, तो यहाँ पे गिट को इंस्टॉल कर लीजिए apt install git करके। एंड जब ये गिट इंस्टॉल हो जाए तो आपको यहाँ पे कमांड रन करना है, जो कि है वो कमांड है गिट स्पेस क्लोन एंड स्पेस डाल के जो URL आपने कॉपी किया था वहाँ पे क्रोम पे जाके या फिर किसी भी ब्राउजर पे जाके गिटहब का वो लिंक यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, एंड पेस्ट करने के बाद एंटर कर दीजिए, तो ये धीरे धीरे डाउनलोडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। ये कितना देर ले सकता है डाउनलोड करने में, ये एक्चुअली इस पर डिपेंड करता है कि आपका इंटरनेट का स्पीड क्या है एंड आप जिस टूल को डाउनलोड करना चाहते हो उसका साइज क्या है। एंड जब एक बार ये डाउनलोड हो जाए तो आपको इसे एक्चुअली करना क्या है, आपको इस फाइल के अंदर जाना है एंड वहाँ पे आपको कुछ फाइल मिलेगा, तो उस फाइल को रन कर देना है, मतलब जो कि स्क्रिप्ट का फाइल होगा या फिर कॉन्फ़िगरेशन फाइल होगा, मतलब setup.sh इस तरह का कुछ फाइल होगा, तो उसको रन कर देना है। एंड जब रन करेंगे तो ये सेटअप हो जाएगा, किसी भी टूल के डायरेक्टरी में कैसे जाना है एंड या फिर टर्मक्स में कोई भी फाइल या फिर कोई भी स्क्रिप्ट फाइल को कैसे रन कर सकते हैं, इसके लिए मैंने पहले ही वीडियो बना रखा है, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको टर्मक्स के कुछ बेसिक कमांड्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो चले बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो पहला कमांड है वो है ग्रेप कमांड। तो ग्रेप एक्चुअली हम कोई नॉर्मल कमांड की तरह यूज नहीं कर सकते, जैसे कि कोई cd हो गया या फिर ls कमांड हो गया, हम इसके तरह इसको यूज नहीं कर सकते। पहले हम ये जानते हैं कि ग्रेप कमांड आखिर हम यूज क्यों करते हैं। तो कोई भी फाइल से अगर हमें कोई स्पेसिफिक वर्ड या फिर कोई स्पेसिफिक चीज़ निकालना होता है तो हम उसके लिए ग्रेप कमांड का यूज करते हैं। तो इसका यूज करने के लिए आप सिंपल सा कमांड लगा दीजिए कैट एंड स्पेस डाल के फाइल का नाम लिख दीजिए आप किस फाइल से निकालना चाहते हो, एंड स्पेस डाल के यहाँ पे ये पाइप डाल दीजिए ये वाला सिंबल, एंड स्पेस डाल के ग्रेप लिख दीजिए
एंड ग्रेप लिखने के बाद आप स्पेस डालिए एंड वहाँ पे वो वर्ड लिख दीजिए जो कि आपको यहाँ से ग्रेप करना है एंड लिखने के बाद एंटर कर दीजिए। अगर उस फाइल में वो वर्ड होगा तो वो निकल जाएगा। एंड हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड है वो है लोकेट कमांड। तो लोकेट कमांड एक्चुअली प्री इंस्टॉल नहीं आता टर्मक्स में, तो इसको आपको मैनुअली करना होगा इंस्टॉल। तो इंस्टॉल करने के लिए आप यहाँ पे कमांड लगा दीजिए apt install mlocate एंड लिख के एंटर कर दीजिए, तो ये यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। एंड जब ये इंस्टॉल हो जाए तो आपको ठीक बाद एक कमांड और रन करना है जो कि अपडेट db। तो ये एक्चुअली टर्मक्स का जो डेटाबेस है आपके फ़ोन में वो अपडेट हो जाएगा एंड लोकेट कमांड सही से वर्क करेगा। अगर आप अपडेट db यूज़ नहीं करते हो तो कमांड सही से काम नहीं करेगा एंड एरर देगा ये आपको। जब लोकेट कमांड पूरी तरह से कॉन्फिगर हो जाए तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो लोकेट कमांड हम एक्चुअली कोई भी फाइल या फिर फोल्डर को ढूंढने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो कोई भी फाइल को खोलने के लिए आप यहाँ पर सिंपल सा कमांड लगा दीजिए लोकेट एंड स्पेस डाल के उस फाइल का नाम लिख दीजिए। अगर आपके टर्मक्स में कहीं भी अगर वो फाइल होगा तो पूरा लोकेशन के साथ उस फाइल का नाम आपको दिख जाएगा यहाँ पे। एंड हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड है वो है wget कमांड। तो wget कमांड से हम एक्चुअली कोई भी रॉ फाइल को डाउनलोड करते हैं टर्मक्स में एंड हम इसका इस्तेमाल वेब स्क्रैपिंग में भी कर सकते हैं। तो खैर हम उतना डीप नहीं जाने वाले, तो हम इसका सिंपल इस्तेमाल बता देते हैं कि wget से हम कोई भी रॉ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड करने के लिए आप यहाँ पर सिंपल सा कमांड लगा दीजिए wget एंड स्पेस डाल के उस फाइल का URL डाल दीजिए जो कि आप डाउनलोड करना चाहते हो एंड पेस्ट करने के बाद आप चाहो तो यहाँ पे आउटपुट फाइल का भी नाम रख सकते हो, वरना बाय डिफ़ॉल्ट ये उसी नाम से डाउनलोड होगा जिस नाम से ये सर्वर पे अपलोड होगा फाइल एंड आप एंटर कर दीजिए तो वो फाइल डाउनलोड होने लगेगा। एंड ये फाइल आपके इंटरनेट स्पीड एंड फाइल के साइज पे डिपेंड करता है कि कितना देर ले सकता है डाउनलोड होने में। एंड हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड है वो है कर्ल कमांड। तो कर्ल कमांड एक्चुअली क्या करता है कि ये कोई भी URL पे या फिर कोई भी वेबसाइट पे रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं हम एंड ये रिक्वेस्ट भेजने के साथ रिस्पांस को भी आपके टर्मक्स में प्रिंट कर देता है। जैसे कि मैं यहाँ पे सिंपल सा google.com का दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे इसको यूज़ करने के लिए आप कमांड लगा दीजिए कर्ल एंड स्पेस डाल के उस URL को लिख दीजिए जिसको आप रिक्वेस्ट करना चाहते हो एंड लिखने के बाद या फिर पेस्ट करने के बाद एंटर कर दीजिए, तो ये पहले टर्मक्स से रिक्वेस्ट भेजेगा एंड जो रिस्पांस आएगा वो यहाँ पे प्रिंट कर देगा। एंड जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो रिस्पांस प्रिंट हो चुका है, तो आप इसी तरह इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड है वो है विच कमांड। तो विच कमांड एक्चुअली बताता है कि आपके टर्मक्स में जो भी कमांड है वो एक्चुअली किस तरह का कमांड है। मेरा मतलब ये है कि वो जो भी कमांड एग्जीक्यूट होता है वो कहाँ से होता है, क्योंकि टर्मक्स एक लिनक्स बेस्ड टर्मिनल है, यहाँ पे भी लिनक्स का कमांड यूज होता है। तो लिनक्स में एक्चुअली दो जगह से कमांड एग्जीक्यूट होता है, जो कि पहला है /bin से एंड दूसरा है /user/local/bin से। टर्मक्स में भी आप चेक कर सकते हो आपका जो कमांड है वो एक्चुअली कहाँ से एग्जीक्यूट होता है। तो इसका यूज करने के लिए आप यहाँ पे सिंपल सा कमांड लगा दीजिए विच एंड स्पेस डाल के उस कमांड का नाम लिख दीजिए या फिर उस कमांड को टाइप कर दीजिए एंड एंटर कर दीजिए, तो यहाँ पे दिख जाएगा कि वो कहाँ से एग्जीक्यूट होता है। नॉर्मली तो टर्मक्स में बिन बैश से ही एग्जीक्यूट होता है, तो ये यहाँ पे दिखा देगा आपको। एंड हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड है वो है टाइप कमांड। तो टाइप कमांड एक्चुअली क्या करता है कि आपके टर्मक्स में जो भी कमांड है वो किस टाइप का कमांड है वो बताता है आपको। तो इसका यूज करने के लिए आप सिंपल सा कमांड लगा दीजिए टाइप एंड स्पेस डाल के उस कमांड को लिख दीजिए जिसको कि आप जानना चाहते हो कि ये किस टाइप का कमांड है एंड लिखने के बाद एंटर कर दीजिए, तो वो किस टाइप का कमांड है आपके टर्मिनल पे प्रिंट हो जाएगा। एंड हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड है वो है एको कमांड। तो ये कमांड एक्चुअली प्रिंटिंग में यूज होता है, मतलब आप कोई भी चीज़ को अगर प्रिंट करना चाहते हो तो वो यूज होता है यहाँ पे। नॉर्मली इसका इस्तेमाल बैश स्क्रिप्टिंग में किया जाता है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ आपको। तो इसका यूज करने के लिए आप सिंपल सा कमांड लिख दीजिए एको एंड स्पेस डाल के कोटेशन मार्क के बीच में जो भी वर्ड आप लिखेंगे या फिर जो भी सेंटेंस आप लिखेंगे वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। एंड हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड है वो है फ्री कमांड। तो ये कमांड एक्चुअली ये दिखाता है कि आपके टर्मक्स में कितना स्पेस फ्री है या फिर आपके डिवाइस में कितना स्पेस फ्री है, इस कमांड से आप ये जान सकते हो। तो इसका इस्तेमाल करने के लिए आप यहाँ पे सिंपल सा कमांड लगा दीजिए फ्री एंड फ्री लिख के आप जब एंटर करोगे तो यहाँ पे पूरा डिटेल दिख जाएगा आपके डिवाइस का, कितना स्पेस है आपके डिवाइस में एंड कितना फुल हो चुका है, कितना अभी बाकी है। तो आप इस तरह से इस कमांड को यूज कर सकते हो। तो हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड है वो है uname। तो ये कमांड एक्चुअली ये दिखाता है कि आपके टर्मक्स में आपका यूजर नेम क्या है एंड आपका कौन सा डिवाइस है, मतलब ये पूरा डिवाइस इन्फो देता है आपको इस कमांड की मदद से। तो हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड है वो है मैन कमांड। तो मैन एक्चुअली मैनुअल कमांड है कोई भी कमांड का, मतलब ये कि आप मैन कमांड की मदद से किसी भी कमांड का मैनुअल चेक कर सकते हैं। तो ये एक्चुअली टर्मक्स में प्री इंस्टॉल नहीं आता है, तो ये आपको मैनुअली करना होगा इंस्टॉल आपके टर्मक्स में। तो इंस्टॉल करने के लिए आप यहाँ पे कमांड लगा दीजिए
apt install main एंड लिख के एंटर कर दीजिए तो मैन आपके टर्मक्स में इंस्टॉल हो जाएगा। तो इसको यूज करने के लिए आप यहाँ पे सिंपल सा कमांड लगा दीजिए मैन एंड स्पेस डाल के उस कमांड का मतलब वो कमांड लिख देना स्पेस डाल के जिस कमांड का आपको मैनुअल चेक करना है एंड लिख करके एंटर कर दीजिए तो उस कमांड का मैनुअल आपके सामने प्रिंट हो जाएगा। तो आप इस तरह से किसी भी कमांड का मैनुअल चेक कर सकते हैं। तो हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड है वह हेल्प कमांड। तो हेल्प कोई एक्चुअली कमांड नहीं है बल्कि ये कमांड का हेल्पर कमांड आप इसको बोल सकते हो। तो कोई भी कमांड का अगर आपको डिटेल में जानना है कि मतलब ये कमांड किस लिए यूज होता है तो आप यहाँ पे कमांड लिख दीजिए एंड स्पेस डाल के हाइफन हाइफन हेल्प लिख के एंटर कर दीजिए तो उस कमांड का पूरा डिटेल आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड है वह फाइंड कमांड। तो एक्चुअली इस कमांड की मदद से हम टर्मक्स में कोई भी फाइल को फाइंड कर सकते हैं कि वो एक्चुअली टर्मक्स के किस लोकेशन पे रखा हुआ है वो फाइल। आप इसे डायरेक्टरी को भी फाइंड कर सकते हो वो भी बड़ी आसानी से। तो फाइंड कमांड से किसी भी फाइल को सर्च करने के लिए आप यहाँ पे कमांड लगा दीजिए फाइंड एंड स्पेस डाल के वो डायरेक्टरी का नाम लिख दीजिए जहाँ पे आपको ये फाइल को खोजना है एंड स्पेस डाल के हाइफन नेम लिख के एंड स्पेस डाल दीजिए एंड यहाँ पे आपको उस फाइल का नाम लिख देना है जिस फाइल को आप खोजना चाहते हो एंड लिख करके एंटर कर दीजिए तो टर्मक्स के उस डायरेक्टरी में अगर वो फाइल होगा तो वो दिख जाएगा आपको। तो अगर आप इससे कोई भी डायरेक्टरी को खोजना चाहते हो तो यहाँ पे कमांड लगा दीजिए फाइंड एंड स्पेस डाल के वो लोकेशन डाल देना है यहाँ पे जिस लोकेशन पे आपको फाइल सर्च करना है मतलब फोल्डर को सर्च करना है एंड स्पेस डाल के हाइफन टाइप दे दीजिए एंड टाइप में आपको यहाँ पे डी डालना है क्योंकि डायरेक्टरी हम सर्च करना चाहते हैं एंड स्पेस डाल के हाइफन नेम दे दीजिए। तो यहाँ पे हाइफन नेम लिखने के बाद आपको यहाँ पे उस फोल्डर का नाम लिख देना है जो कि आप सर्च करना चाहते हो एंड लिख करके एंटर कर दीजिए तो अगर उस लोकेशन पे इस नाम का कोई फोल्डर होगा तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो हमारे पास जो पहला कमांड है वो एक क्लियर कमांड। तो जब भी आप टर्मक्स को यूज करते हो तो टर्मक्स का स्क्रीन पूरा भर जाता है। अगर आप उस स्क्रीन को क्लियर करना चाहते हो तो यहाँ पे आपके पास एक कमांड होता है जो कि है क्लियर कमांड एंड जब भी आपको स्क्रीन क्लियर करना हो तो आप क्लियर लिख के एंटर कर दीजिए स्क्रीन पूरा क्लियर हो जाएगा एंड यहाँ पे कोई भी कमांड नहीं दिखेगा। हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड है वह if config। तो इस कमांड से हम अपने डिवाइस का आईपी एड्रेस चेक कर सकते हैं। तो इसका यूज करने के लिए आप सिंपल सा if config लिख के एंटर कर दीजिए एंड यहाँ पे आपको बहुत सारे रिजल्ट दिख जाएंगे। तो यहाँ पे आपको हल्का सा स्क्रॉल अप करना है एंड यहाँ पे आपको दिख जाएगा इनिट नाम का एंड इसके आगे कुछ डिजिट होगा जो कि एक्चुअल में आपका आईपी एड्रेस है। तो मैं यहाँ पे अपना आईपी एड्रेस को हाइड कर दे रहा हूँ। तो इस तरह से आप आईपी एड्रेस चेक कर सकते हो if config कमांड की मदद से। तो हमारे पास एक और कमांड है जिसकी मदद से आप आईपी एड्रेस को चेक कर सकते हो जो कि है आईपी कमांड। तो आईपी कमांड से आईपी एड्रेस को चेक करने के लिए आप यहाँ पे कमांड लगा दीजिए आईपी एंड स्पेस डाल के ADDR लिख दीजिए एड्रेस का शॉर्ट फॉर्म एंड लिख करके जब आप एंटर करेंगे तो आपको अपना आईपी एड्रेस दिख जाएगा एंड यहाँ पे भी वही है इनिट नाम से होगा एंड आगे कुछ डिजिट लिखा होगा जो कि आपका आईपी एड्रेस होगा। एंड हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड है वो है अप टाइम। तो ये कमांड एक्चुअली ये दिखाता है कि आपने टर्मक्स अभी तक कितना यूज किया है कितना मिनट कितने घंटे या फिर कितने सेकंड आपने यूज किया है टर्मक्स को ये दिखाता है आपको। एंड हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड है वह हिस्ट्री कमांड। तो हिस्ट्री कमांड से तो आपको पता चल ही रहा होगा कि हिस्ट्री कमांड एक्चुअली क्या करता होगा। तो हिस्ट्री कमांड का यूज करके तो आप अपने टर्मक्स में जितने भी अभी तक कमांड को यूज किए हो सारे कमांड का हिस्ट्री दिख जाएगा आपको। जिस तरह आप ब्राउजर में कुछ भी ब्राउज करते हो एंड उसका हिस्ट्री बनता है तो यहाँ पे भी टर्मक्स में भी हिस्ट्री बनता है। आप यहाँ पे सिंपल सा हिस्ट्री लिख के एंटर करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपने जितना भी कमांड को यूज किया है सारे कमांड का हिस्ट्री दिख जाएगा आपको। एंड हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड है वह हु एम आई कमांड। तो ये कमांड एक्चुअली ये दिखाता है कि टर्मक्स में आपका यूजर नेम क्या है। तो ये एक्चुअली लिनक्स बेस्ड टर्मिनल है तो इसीलिए इसमें भी यूजर नेम होगा ना कुछ आपका वही यहाँ पे ये यूजर नेम दिखाता है कि आपका यूजर नेम क्या है टर्मक्स में। एंड हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड है वह है टॉप कमांड। तो टॉप कमांड एक्चुअली क्या करता है कि आपके टर्मक्स में जो भी प्रोसेस चल रहा होता है करंट टाइम पे उस सारे प्रोसेस का लिस्ट दिखाता है एंड उसका कंप्लीट डिटेल देता है आपको। तो इसको यूज करने के लिए आप सिंपल सा यहाँ पे टॉप लिख के एंटर कर दीजिए एंड जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपके डिवाइस का लुक कुछ इस तरह का दिखने लगेगा एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कितने प्रोसेस चल रहे हैं एंड किस प्रोसेस में क्या चल रहा है एंड यहाँ पे आप प्रोसेस आईडी भी चेक कर सकते हो उसका। तो हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड है वो है एच टॉप। तो एच टॉप एक्चुअली टॉप के रिलेटेड ही है मतलब टॉप के सिमिलर है। बस टॉप में ये था कि आप ब्लैक एंड व्हाइट पूरा देख रहे थे एंड एच टॉप ये होता है कि पूरा रंगीन करके देता है आपको स्क्रीन जिस तरह आप फिल्मों में देखते हो। तो एच टॉप एक्चुअली प्री इंस्टॉल नहीं आता तो इसे आपको मैनुअली इंस्टॉल करना होगा आपके टर्मक्स में। तो इंस्टॉल करने के लिए आप यहाँ पे कमांड लगा दीजिए apt install एच टॉप
एंड लिख करके एंटर कर दीजिए। एच स्टॉप आपके टर्मक्स में इंस्टॉल हो जाएगा। एंड जब ये इंस्टॉल हो जाए तो आपको यहाँ पे सिंपल सा कमांड लगाना है, एच स्टॉप एंड लिख करके एंटर कर देना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जिस तरह आप फिल्मों में देखते हो सेम टू सेम यहाँ पे शो कर रहा है। तो हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड है वह है सी ए एल कमांड। तो सी ए एल एक्चुअली कैलेंडर का शॉर्ट फॉर्म है। अगर आपको टर्मक्स से ही कैलेंडर को देखना है कि ये कौन सा महीना चल रहा है एंड आज कौन सा डेट है, तो वो सब देखने के लिए आप सिंपल सा यहाँ पे सी ए एल लिख के एंटर कर दीजिए, कैलेंडर दिख जाएगा। एंड अगर आप चाहते हो किसी स्पेसिफिक ईयर का आप कैलेंडर देखना चाहो तो उसके लिए आप कमांड लगा दीजिए सी ए एल एंड स्पेस डाल के वो ईयर लिख दीजिए जिस ईयर का आपको यहाँ पे कैलेंडर देखना है। जैसे कि मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ 2010 का, तो मैं यहाँ पे 2010 लिख के एंटर कर दूंगा तो यहाँ पे 2010 का पूरा कैलेंडर दिख जाएगा मुझे। हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड है वो है डेट कमांड। तो हम डेट कमांड की मदद से आज क्या तारीख है एंड अभी क्या बज रहा है हम सारे देख सकते हैं, मतलब डेट एंड टाइम देख सकते हैं एक ही कमांड से। तो इसके लिए आप सिंपल सा कमांड लिख के एंटर कर दीजिए डेट, एंड डेट लिख के एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पे आज क्या टाइम हो रहा है एंड आज क्या डेट है सब आपको यहाँ पे दिख जाएगा। एंड हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड है वो है डी एफ कमांड। तो डी एफ एक्चुअली क्या करता है कि आपके डिवाइस में कितने डिस्क हैं, क्योंकि आपका कंप्यूटर तो नहीं है कि आप मैनुअली डिस्क चेक कर सकते हो कि आपके डिवाइस में कितने डिस्क हैं, तो वो तो आप नहीं ना चेक कर सकते। तो उसी के लिए आप इस कमांड का यूज़ कर सकते हो कि आपके डिवाइस में टोटल कितने डिस्क हैं एंड कौन सा डिस्क कितना भरा हुआ है। मतलब आप फ्री डिस्क को यहाँ पे चेक कर सकते हो, कोई भी डिस्क हो आप यहाँ पे डायरेक्ट चेक कर सकते हो, सिर्फ आपको डी एफ कमांड लिख के एंटर करना है तो आपके अपने डिवाइस में जितने भी डिस्क होगा सारे का डिटेल यहाँ पे शो कर जाएगा। एंड हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड है वो है एग्जिट कमांड। तो आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी आप टर्मक्स को कट कर देते हो या फिर कट करके रिसेंट ऐप से हटा भी देते हो तो भी टर्मक्स बैकग्राउंड में रन होते रहता है, क्योंकि आप जब भी नोटिफिकेशन को देखते हो तो वहाँ पे लिखा होता है कि टर्मक्स, एंड जब भी आप उस पर क्लिक करते हो तो टर्मक्स फिर से उसी जगह पहुंच जाता है जहाँ पे वो पहले था। तो ये प्रॉब्लम ना हो, टर्मक्स का सेशन पूरी तरह से एग्जिट हो जाए तो हम उसके लिए यूज करते हैं एग्जिट कमांड। तो सिंपल सा यहाँ पे अगर आप एग्जिट कमांड लिख के एंटर करोगे तो ये सेशन एग्जिट हो जाएगा। हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड है वो है लॉगआउट कमांड। तो लॉगआउट कमांड का भी यूज़ करके आप यहाँ पे एग्जिट हो सकते हो। तो ये एक्चुअली लिनक्स का कमांड है एंड लॉगआउट से आपको पता चल रहा होगा कि ये एक्चुअली किस लिए यूज होता है। तो लिनक्स में जो भी यूज़र होता है तो यूज़र को लॉग आउट करने के लिए इस कमांड का यूज़ होता है, लेकिन आप इसको टर्मक्स में लॉग आउट यूज़ करके अपना सेशन एग्जिट कर सकते हो यहाँ से। तो इस वीडियो में मैं आपको यह बताने वाला हूँ कि टर्मक्स में आप कोई भी फाइल को रीड एंड राइट कैसे कर सकते हो, मतलब ये कि उस फाइल के अंदर क्या है उसका डेटा कैसे देख सकते हो एंड उस फाइल को एडिट कैसे कर सकते हो या फिर मॉडिफाई कैसे कर सकते हो, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। तो आपको कोई भी फाइल को रीड करने के लिए टर्मक्स में आपके पास यहाँ पे चार कमांड होते हैं। पहला होता है लिस एंड सेकंड होता है कैट एंड उसके बाद होता है हेड टेल। तो इसमें मैं ज़्यादातर जो यूज करता हूँ वो है कैट कमांड। तो ये एक्चुअली बहुत सिंपल कमांड है इसलिए मैं इसका यूज करता हूँ। तो चलिए मैं बताता हूँ कि कैट कमांड की मदद से आप कोई भी फाइल को कैसे रीड कर सकते हो। तो यहाँ पे पहले कमांड लगा दीजिए कैट एंड स्पेस डाल के जो भी फाइल है जिसको आप रीड करना चाहते हो कि इसके अंदर क्या डेटा है वो लिख दीजिए एंड एंटर कर दीजिए, तो आपके टर्मक्स में उस फाइल का सारा डेटा प्रिंट हो जाएगा, जो भी उस फाइल के अंदर होगा यहाँ पे दिख जाएगा आपको। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी डेटा था यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। तो अगर आप चाहते हो कि इस फाइल में जितने भी लाइन थे वो लाइन भी अब दिखने लगे किस लाइन पे कौन सा लिखा हुआ था, तो आप यहाँ पे कमांड लगा दीजिए कैट एंड स्पेस डाल के हाइफन एन दे दीजिए नंबर्स के लिए एंड स्पेस डाल के उसी फाइल का नाम लिख दीजिए जिस फाइल का आप डेटा रीड करना चाहते हो एंड लिख करके एंटर कर दीजिए। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे लाइन का नंबर भी दिखने लगा है कितने नंबर लाइन पे क्या लिखा हुआ है। तो इस तरह से आप कैट कमांड की मदद से कोई भी फाइल को रीड कर सकते हो। तो हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड है वो है लेस कमांड। तो लेस कमांड एक्चुअली कैट से थोड़ा एडवांस कमांड है। तो जैसे कि आपने देखा कि कैट कमांड में जब भी हम किसी फाइल को रीड करते हैं तो उस फाइल का डेटा टर्मक्स के टर्मिनल में प्रिंट हो जाता है, तो लेस कमांड एक्चुअली ऐसा नहीं करता है, वो एक्चुअली एक नए विंडो को ओपन करके आपको फाइल दिखाता है। तो इसका यूज करने के लिए आप यहाँ पे सिंपल सा कमांड लगा दीजिए लेस एंड इस पे डाल के उसी फाइल का नाम लिख दीजिए जिसको आप रीड करना चाहते हो। फाइल का नाम लिखने के बाद यहाँ पे एंटर प्रेस कर दीजिए तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक नया विंडो ओपन हो चुका है एंड यहाँ पे सारा डेटा दिख रहा है आपको। एंड अगर आप इस विंडो से क्विट होना चाहते हो तो यहाँ पे क्यू प्रेस कर दीजिए, आप यहाँ से एग्जिट हो जाओगे एंड आप यहाँ पे देख सकते हो कि टर्मिनल पे कोई भी डेटा प्रिंट नहीं हुआ था। तो चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट कमांड की तरफ।
तो हमारा जो अगला कमांड है वो है हेड कमांड। तो हेड कमांड एक्चुअली क्या करता है कि कोई भी फाइल का, मतलब आप ये समझिए कि आप कोई भी फाइल में ये चाहते हो कि उस फाइल के ऊपर का कुछ लाइन सिर्फ आप प्रिंट करो, तो आप हेड कमांड की मदद से कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं कि इसका यूज कैसे करना है। तो यहाँ पे आप कमांड लगा दीजिए हेड एंड स्पेस डाल के हाइफन एन दे दीजिए एंड स्पेस डालिए एंड यहाँ पे कितना नंबर ऊपर का लाइन प्रिंट करना है, मतलब कितना लाइन वो नंबर लिख दीजिए, जैसे कि 2, 3, 4, 5, मतलब कुछ भी होगा नंबर यहाँ पे टाइप करके एंड स्पेस डाल के उस फाइल का नाम लिख दीजिए एंड एंटर कर दीजिए। यहाँ पे उस फाइल के ऊपर का सिर्फ उतना ही लाइन प्रिंट होगा जितना लाइन आपने लिखा था, आप यहाँ पे देख भी सकते हो। तो हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड है वो है टेल कमांड। तो टेल एक्चुअली आप समझ ही गए होंगे कि टेल कमांड से क्या करते हैं। तो टेल एक्चुअली नीचे के कुछ लाइन को प्रिंट करता है, आप उसमें जितने भी नंबर दोगे उतना लाइन नीचे का वो प्रिंट कर देगा। इसका यूज करने के लिए आप सिंपल सा कमांड लगा दीजिए टेल एंड स्पेस डाल के हाइफन एन दे दीजिए एंड स्पेस डाल के कितने नंबर आप यहाँ पे प्रिंट करना चाहते हो, कितने लाइन वो लिख दीजिए एंड स्पेस डाल के फाइल का नाम लिख दीजिए जिस फाइल से आप डेटा एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो एंड लिख करके एंटर कर दीजिए, तो नीचे का उतना लाइन प्रिंट हो जाएगा जितना लाइन आपने लिखा हुआ था। तो आप इन सारे मेथड से किसी भी फाइल का डेटा रीड कर सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जहाँ पे मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि टर्मक्स में कोई भी फाइल को एडिट या फिर मॉडिफाई कैसे कर सकते हो, मतलब राइट कैसे कर सकते हो कोई भी फाइल को टर्मक्स में। तो जैसे कि आपके फोन में बहुत सारे एडिटर होते हैं कोई भी टेक्स्ट फाइल को एडिट करने के लिए, तो टर्मक्स में भी बहुत सारे एडिटर हैं कोई भी फाइल को एडिट करने के लिए। तो मैं जो मोस्टली यूज़ करता हूँ एंड मैं रिकमेंड भी यही करूँगा कि आप भी नैनो यूज़ करो, क्योंकि ये बहुत सिंपल एंड बहुत ईजी वे में आप इसको यूज़ कर सकते हो एंड ये बहुत यूज़र फ्रेंडली भी है। तो नैनो कमांड के मदद से कोई भी फाइल को एडिट करने के लिए आप यहाँ पे सिंपल सा कमांड लगा दीजिए नैनो एंड स्पेस डाल के जिस फाइल को आप एडिट करना चाहते हो तो उस फाइल का नाम लिख दीजिए एंड लिख करके एंटर कर दीजिए, तो वो फाइल एडिटर में यहाँ पे ओपन हो जाएगा एंड तो अब आप यहाँ से उस फाइल में कुछ भी चेंजेस कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लगे कि ये फाइल जो भी इसमें एडिट करना था वो एडिट हो चुका है एंड अब आप चाहते हो कि इसको सेव करना है, तो आप यहाँ पे कंट्रोल एक्स प्रेस कर दीजिए। कंट्रोल एक्स प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे वाई प्रेस कर देना है एंड जब आप वाई प्रेस करोगे तो आपके सामने एक कंफर्मेशन मैसेज आएगा कि आप अगर इस फाइल का नाम चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस सिंपली एंटर कर देना है तो आपका फाइल सेव हो जाएगा एंड आप एडिटर से बाहर भी आ जाओगे। तो आप इस तरह से नैनो की मदद से कोई भी फाइल को एडिट कर सकते हो। तो आपने अभी देखा कि हमने नैनो में कोई भी फाइल को एडिट कैसे करना है ये सीख लिया। अब मैं इसके कुछ और फीचर के बारे में भी बता देता हूँ। अगर आपने नोटिस किया होगा तो मैंने जब पहले एडिटर को ओपन किया था फाइल को एडिट करने के लिए, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे कोई भी लाइन नंबर नहीं दिख रहा था कि वो कितना नंबर लाइन पे मैं लिख रहा हूँ। अगर आप लाइन को इनेबल करना चाहते हो तो आप यहाँ पे कमांड लगा दीजिए नैनो स्पेस हाइफन एल, एल हम लाइन के लिए यूज़ करते हैं एंड स्पेस डाल के उसी फाइल का नाम लिख दीजिए जिस फाइल को आप एडिट करना चाहते हो एंड जब आप एंटर प्रेस करोगे अब यहाँ पे आपको लाइन भी दिख रहा है कि कितने नंबर लाइन पे कौन सा क्या लिखा हुआ है। तो इस तरह से आप नैनो की मदद से कोई भी फाइल को एडिट कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप टर्मक्स में ही कैसे कोई भी फाइल को जिप या फिर अनजिप कर सकते हो। तो टर्मक्स में जिप और अनजिप एक्चुअली इंस्टॉल नहीं आता है पहले से, तो इसे हमें मैनुअली इंस्टॉल करना होगा। तो उसके लिए कमांड लगा दीजिए apt install zip एंड स्पेस डाल के अनजिप लिख दीजिए ताकि zip और अनजिप एक साथ इंस्टॉल हो जाए एंड लिख करके एंटर कर दीजिए। जब आप एंटर करेंगे तो ये इंस्टॉल होने लगेगा एंड ये पैकेज बहुत छोटे साइज का है तो ये बहुत जल्द इंस्टॉल हो जाएगा। तो मेरे टर्मक्स में zip और अनजिप इंस्टॉल हो चुका है। तो चलिए मैं आपको पहले बताता हूँ कि आप किसी भी फाइल को या फिर किसी भी फोल्डर को zip में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। तो किसी भी फाइल या फिर फोल्डर को zip में कन्वर्ट करने के लिए आपको पहले उस फोल्डर में चले जाना है जहाँ पे आपका वो फाइल है जिसे आप zip में कन्वर्ट करना चाहते हो एंड वहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे एक कमांड लगाना है zip एंड स्पेस डाल के आप zip फाइल का क्या नाम रखने वाले हो वो नाम लिख देना है एंड लिख के एंड स्पेस डाल के वो सारे फाइल का नाम लिख देना है जिसको आप zip में कन्वर्ट करना चाहते हो एंड सारे फाइल का नाम लिखने के बाद आप यहाँ पे एंटर प्रेस कर दोगे तो यहाँ पे 5-6 सेकंड में zip बना के आपके सामने दे देगा। तो ये था एक नॉर्मल प्रोसेस किसी भी फाइल को zip में कन्वर्ट करने का, लेकिन आप इस प्रोसेस से किसी भी फोल्डर को zip में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो किसी भी फोल्डर को zip में कन्वर्ट करने के लिए आप यहाँ पे कमांड लगा दीजिए zip एंड स्पेस डाल के हाइफन आर दे दीजिए रिकर्सिव के लिए एंड स्पेस डाल के फिर से वही प्रोसेस आप दोहराइए। जो आपको आउटपुट फाइल का नाम चाहिए आउटपुट फाइल का नाम लिख दीजिए एंड स्पेस डाल के वो सारे फाइल एंड फोल्डर भी आप भी इंक्लूड कर सकते हो zip में एंड सारे फाइल या फिर फोल्डर का नाम लिखने के बाद एंटर कर दीजिए। तो ये यहाँ पे कुछ समय ले सकता है एंड उसके बाद
जिप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जिप में एक कमाल का फीचर ये आता है कि आप इसे वर्बोसिटी मोड में चला सकते हो। मतलब ये कि जब ये फाइल जिप में कन्वर्ट हो रहा होगा तो आप उस टाइम क्या हो रहा है एग्जैक्टली उस फाइल में एंड कौन सा फाइल ऐड किया जा रहा है तो आप सारे स्टेप को देख सकते हो। तो उसके लिए हमें वर्बोसिटी को इनेबल करना होगा। तो उसके लिए कमांड लगा दीजिए जिप एंड स्पेस डाल के हाइफन आर दे दीजिए रिकर्सिव के लिए एंड वी दे दीजिए वर्बोसिटी के लिए एंड स्पेस डाल के फिर से वही आउटपुट फाइल का नाम लिख दीजिए एंड स्पेस डाल के वो सारे फाइल एंड फोल्डर लिख दीजिए जिसको आप जिप में ऐड करना चाहते हो एंड लिख करके एंटर कर दीजिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जितने भी फाइल या फिर फोल्डर थे एंड वो जो जिप में कन्वर्ट हो रहा है तो एग्जैक्टली क्या क्या स्टेप लिए जा रहे हैं वो सारे यहाँ पे पता चल रहा है आपको। तो ये तो था जिप में कन्वर्ट कैसे कर सकते हो। क्योंकि आपने जिप में कन्वर्ट करना सीख लिया तो आपको अनजिप भी तो करना होगा ना इस फाइल को। तो उसके लिए यहाँ पे कमांड लगा दीजिए अनजिप के लिए अनजिप एंड स्पेस डाल के आपको जिप फाइल का नाम लिख देना है कि आपका जो भी जिप फाइल था जिसको आप अनजिप करना चाहते हो उसका नाम लिख दीजिए यहाँ पे एंड लिख के एंटर कर दीजिए। ये कुछ समय में अनजिप करके दे देगा आपको एंड ये फाइल के साइज पे डिपेंड करता है कि वो कितना देर ले सकता है अनजिप करने में। अगर फाइल ज़्यादा बड़ा हुआ तो ये थोड़ा ज़्यादा टाइम ले सकता है, अगर छोटा हुआ तो ये तुरंत करके दे देगा आपको। एंड इसमें भी वर्बोसिटी आप इनेबल कर सकते हो। तो उसके लिए आप कमांड लगा दीजिए अनजिप एंड स्पेस डाल के हाइफन वी दे दीजिए वर्बोसिटी के लिए एंड स्पेस डाल के जिप फाइल का नाम लिख देना है, नाम लिख के एंटर कर दीजिए। तो यहाँ पे अनजिप में भी अब वर्बोसिटी इनेबल हो चुका है। तो यहाँ पे ये बता देगा कि एग्जैक्टली कौन कौन से स्टेप फॉलो किए जा रहे हैं एंड कौन कौन सा फाइल कब एक्सट्रैक्ट हो रहा है आपके जिप फाइल से। तो इस तरह से आप अपने टर्मक्स में किसी भी फाइल या फिर किसी फोल्डर को जिप में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो एंड किसी भी जिप फाइल को कैसे टर्मक्स में ही अनजिप कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे अपना टर्मक्स ऐप को ओपन कर लेता हूँ एंड ओपन करने के बाद आपको जो भी शॉर्टकट्स की है उसको वन बाय वन परफॉर्म करके दिखाता हूँ आपको। हमारे पास जो पहला शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल ए। नॉर्मली जो कंट्रोल ए होता है वो सेलेक्ट ऑल के लिए होता है, लेकिन टर्मक्स में ऐसा कुछ नहीं है। टर्मक्स में पूरा ही डिफरेंट है। मतलब ये समझो कि आप कमांड कोई लिख रहे हो टर्मक्स में एंड आप चाह रहे हो कि टर्मक्स का जो ये कमांड लिखे हो आप उसके डायरेक्ट बिगिनिंग में आप पहुंच जाए, आपका जो कर्सर है उस कमांड के शुरू में पहुंच जाए एंड आप नहीं चाहते हो कि वन बाय वन लेफ्ट क्लिक कर करके ऐसे करके जाओ। तो आप डायरेक्ट कंट्रोल ए प्रेस करोगे तो आपका कर्सर कहीं भी होगा तो उस लाइन के शुरू में पहुंच जाएगा। तो कंट्रोल ए का काम यही होता है, वो कर्सर को मूव कर देता है लाइन के बिगिनिंग में। हमारे पास जो नेक्स्ट शॉर्टकट है वो है कंट्रोल सी। तो कंट्रोल सी एक्चुअली क्या करता है कि आप कोई भी प्रोसेस अगर यूज करते हो टर्मक्स में, मतलब आप टर्मक्स में कोई भी प्रोसेस को अगर चलाते हो एंड आपको उसको कैंसिल करने का जरूरत पड़ जाए तो वहाँ पे कोई और की नहीं बल्कि कंट्रोल सी ही याद आता है, क्योंकि कंट्रोल सी कैंसिल के लिए यूज होता है। तो कोई भी अगर आपको प्रोसेस कैंसिल करना होता है तो उसके लिए आप यहाँ पे कंट्रोल सी जैसे आप प्रेस करेंगे तो वो जो भी प्रोसेस चल रहा होगा वो इमीडिएटली कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास जो नेक्स्ट शॉर्टकट है वो है कंट्रोल डी। तो ये जो टर्मक्स बेसिक टू एडवांस का पार्ट है, तो इसके कुछ पार्ट्स पहले आपने देखा होगा कि जब भी आपको टर्मक्स से एग्जिट होना होता था तो आप क्या करते थे, एग्जिट लिख के एंटर करते थे या फिर लॉग आउट लिख के एंटर कर देते थे तो आप एग्जिट हो जाते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, आपको जब भी एग्जिट करना होगा तो इसके लिए भी एक शॉर्टकट की है हमारी टर्मक्स में जो कि है कंट्रोल डी। एंड कंट्रोल प्रेस करने के बाद जैसे आप डी प्रेस करोगे तो आप टर्मक्स के सेशन से बाहर आ जाओगे एंड वो सेशन एग्जिट हो जाएगा आपका। एंड ये बहुत ईजी है क्योंकि जब भी आपको एग्जिट होना होता था तो आप एग्जिट लिख के एंटर करते थे एंड इसमें बहुत टाइम वेस्ट होता था। तो यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं, आप डायरेक्ट कंट्रोल डी प्रेस करोगे तो आप एग्जिट हो जाओगे टर्मक्स से। एंड हमारे पास जो नेक्स्ट शॉर्टकट है वो है कंट्रोल ई। तो मैंने आपको कंट्रोल ए के बारे में बताया था जिससे कि आप अपने कर्सर को लाइन के बिगिनिंग में पहुंचा सकते हो। तो कंट्रोल ई एक्चुअली उसका डायरेक्ट अपोजिट है। अगर आपका कर्सर कहीं भी है लाइन में या फिर कमांड में, अगर आप कंट्रोल ई प्रेस करते हो तो लाइन के एंड में पहुंच जाओगे। ये मैटर नहीं करता है कि आप टर्मक्स के उस लाइन में कहां पे थे, आप डायरेक्ट लास्ट में ही पहुंच जाओगे। आप कहीं भी अभी हो उस लाइन पे, आप डायरेक्ट उस लाइन के एंड में पहुंच जाओगे। हमारे पास जो नेक्स्ट शॉर्टकट है वो है कंट्रोल के। तो हमने जो भी पहले देखा कंट्रोल ए कंट्रोल सी, तो इस तरह का कोई कमांड नहीं है ये। नैनो जो कोड एडिटर होता है टर्मक्स में उसमें ये यूज होता है कंट्रोल के। आप समझो कि टर्मक्स में नैनो यूज कर रहे हो एंड वहाँ पे जो भी आप कोड एडिट कर रहे थे एंड आप चाह रहे हो कि पूरा का पूरा लाइन ही कट हो जाए, मतलब हट जाए, आप वहाँ पे कर्सर ले जाके कंट्रोल के प्रेस कर दीजिए, वो पूरा का पूरा लाइन कट हो जाएगा। वही अगर आपने जो अभी कट किया एंड आप चाहते हो कि वो कहीं और जाके पेस्ट हो जाए तो वहाँ पे आप कर्सर ले जाइए एंड कंट्रोल यू प्रेस कर दीजिए, पेस्ट हो जाएगा।
एंड यहाँ पे आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि कंट्रोल सी से कट होगा एंड कंट्रोल वी से पेस्ट होगा। यहाँ पे बिल्कुल वैसा सीन नहीं है, कंट्रोल के से कट होगा एंड कंट्रोल यू से पेस्ट होगा, तो ये आपको याद रखना है। तो हमारे पास जो नेक्स्ट शॉर्टकट है वो है कंट्रोल एल। तो कंट्रोल एल एक्चुअली ये करता है कि आपका जो टर्मिनल है उसको क्लियर करने में हेल्प करता है। तो इसके कुछ पार्ट्स पहले मैंने आपको बताया था, टर्मक्स का जो टर्मिनल है अगर आप उसको क्लियर करना चाहते हो तो उसके लिए आप एक कमांड होता है जो कि है क्लियर कमांड। तो अगर आप उस कमांड को यूज नहीं करना चाहते एंड आप तुरंत करना चाहते हो क्लियर, तो उसके लिए यहाँ पे एक शॉर्टकट है जो कि है कंट्रोल एल। एंड जैसे ही आप कंट्रोल एल प्रेस करोगे तो आपका जो टर्मिनल है वो कम्प्लीटली क्लियर हो जाएगा, वो भी बिना क्लियर कमांड से। हमारे पास जो नेक्स्ट शॉर्टकट है वो है कंट्रोल जेड। तो ये एक्चुअली कंट्रोल सी से हल्का सिमिलर है। तो सिमिलर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कंट्रोल सी जो था वो प्रोसेस जो चल रहा था उसको कम्प्लीटली कैंसिल कर देता था, तो कंट्रोल जेड एक्चुअली उस प्रोसेस को स्टॉप कर देता है वहीं पे, या फिर आप इसको सस्पेंड करना भी बोल सकते हो। तो हमारे पास जो नेक्स्ट शॉर्टकट है वो है कंट्रोल डब्ल्यू। टर्मक्स में जो भी आप कमांड यूज करते हो या फिर लिखते हो तो आपका कर्सर जहाँ पे है अभी कमांड में, अगर आप चाहते हो कि उस कर्सर का जो उससे पहले जितना भी चीज़ है वो हट जाए अपने आप, तो आप यहाँ पे कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस कर दीजिए, आपका जो कर्सर है कर्सर के आगे का सारा पार्ट कट हो जाएगा अपने आप। तो आई होप गाइज कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आज हम जो शॉर्टकट ट्रिक परफॉर्म करने वाले हैं, तो उस शॉर्टकट ट्रिक को यूज़ करने के लिए आपको पहले हैकर कीबोर्ड को डाउनलोड करना होगा एंड उसका ही यूज़ करना होगा, क्योंकि ये जो शॉर्टकट है ये सिर्फ हैकर कीबोर्ड में ही वर्क करेगा। अगर आपके पास हैकर कीबोर्ड नहीं है तो आप उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करके कॉन्फिगर कर लीजिए, उसके बाद आप इस ट्रिक को फॉलो कीजिए। तो मैं अपना यहाँ पर टर्मक्स ऐप को ओपन कर लेता हूँ एंड ओपन करने के बाद चलिए मैं आपको वन बाय वन सारे ट्रिक को परफॉर्म करके दिखाता हूँ। तो हमारे पास जो पहला शॉर्टकट है वह कंट्रोल ऑल्ट सी। तो कंट्रोल ऑल्ट सी क्या करता है कि एक्चुअली यहाँ पे आपको एक नया सेशन ओपन करने में आपका हेल्प करता है। तो नॉर्मली आप जो सेशन ओपन करते थे एक न्यू सेशन, उसमें आप क्या करते थे कि टॉप लेफ्ट साइड से स्लाइड करते थे एंड वहाँ पे न्यू सेशन पे क्लिक करके एक नया सेशन ओपन करते थे, राइट। यहाँ पे अब वैसा सीन नहीं है एंड आज के बाद आप उस ट्रिक का यूज भी नहीं करोगे, क्योंकि उसके लिए तो ऑलरेडी शॉर्टकट ट्रिक है यहाँ पे कंट्रोल ऑल्ट सी। एंड जैसे ही आप कंट्रोल ऑल्ट सी प्रेस करोगे तो आपके टर्मक्स में एक न्यू सेशन ओपन हो जाएगा। हमारे पास जो नेक्स्ट शॉर्टकट है वह कंट्रोल ऑल्ट आर। तो आपका जो भी करंट सेशन है अगर आप इसको रीनेम करना चाहते हो, मतलब जो बाय डिफॉल्ट नेम आता है वो है सेशन वन, सेशन टू, सेशन थ्री, तो नॉर्मली इस तरह का सेशन नेम आता है एंड आप चाहते हो कि आप अपने हिसाब से सेशन का नाम रखो, कुछ भी रखना चाहो, तो उसके लिए आप यहाँ पे प्रेस कीजिए कंट्रोल ऑल्ट आर। एंड कंट्रोल ऑल्ट आर जैसे आप प्रेस करोगे तो आपके सामने यहाँ पे इनपुट बॉक्स आ जाएगा, तो जिसमें कि आप सेशन का नाम इनपुट कर सकते हो। एंड हमारे पास जो नेक्स्ट शॉर्टकट है वो कंट्रोल ऑल्ट अप एरो। तो ये शॉर्टकट एक्चुअली क्या करता है कि आपका जो टर्मक्स में सेशन है उसको चेंज करने में आपका हेल्प करता है। तो यहाँ पे एक्चुअली सिर्फ अपर एरो नहीं, ये डाउन एरो भी वर्क करता है। तो जब भी आपको टर्मक्स के सेशन से चेंज करना होता है सेशन तो आप इसका यूज कर सकते हो, लेकिन इसमें बात यह है कि आप सिर्फ इससे एक सेशन ही आगे जा सकते हो या फिर एक सेशन ही पीछे जा सकते हो। जैसे समझो कि आप अभी फोर्थ नंबर सेशन पे हो एंड आप चाह रहे हो कि आप डायरेक्ट फर्स्ट नंबर सेशन पे पहुंच जाओगे, तो वो नहीं होने वाला है। आप अगर फोर पे हो तो आप फाइव पे जा सकते हो या फिर थ्री पे जा सकते हो, आप एक बार में एक ही सेशन को चेंज कर सकते हो। एंड आप फिर से कंट्रोल ऑल्ट अपर एरो प्रेस करेंगे तो और बढ़ता जाएगा सेशन, मतलब आप इस तरह से सेशन चेंज कर सकते हो अपर एरो एंड डाउन एरो के मदद से। एंड हमारे पास जो नेक्स्ट शॉर्टकट है वह कंट्रोल ऑल्ट एंड राइट एरो। तो ये एक्चुअली क्या करता है कि आपके जो टर्मक्स में ये ड्रावर है जिसमें कि आपको दिखता है कि कितने सेशन ओपन है एंड किस सेशन में क्या चल रहा है, किस सेशन का क्या नाम है, मतलब जो आप ये लेफ्ट साइड से स्लाइड करके निकालते थे उसको ड्रावर बोला जाता है। तो अगर आप वो लेफ्ट साइड से स्लाइड ना करके निकालना चाहो एंड आप चाहते हो कि वो कीबोर्ड से ही हो जाए तो आप यहाँ पे प्रेस कर दीजिए कंट्रोल ऑल्ट एंड राइट एरो। तो ये क्या करेगा कि आपका जो ड्रॉवर है उसको ओपन कर देगा टर्मक्स का ड्रॉवर, एंड अगर आप क्लोज करना चाहते हो तो आप राइट के जगह पे लेफ्ट एरो प्रेस कर दीजिए, ये क्लोज हो जाएगा। एंड हमारे पास जो नेक्स्ट शॉर्टकट है वो है कंट्रोल ऑल्ट एम। तो ये एक्चुअली क्या करता है कि मतलब टर्मक्स में जो मेनू होता है उसको ये ओपन करता है, मतलब उसको शो करता है आपको। अगर आप कुछ मेनू में से चेक करना चाहो या फिर कुछ यूज करना चाहो तो आप मेनू को यहाँ पे ओपन कर सकते हो इस ट्रिक के मदद से। तो मैं इसके नेक्स्ट पार्ट में ये टर्मक्स मेन्यू पे वीडियो लाने वाला हूँ जिसमें कि मैं टर्मक्स मेन्यू का कंप्लीट यूजेस बताने वाला हूँ कि उसको कैसे यूज कर सकते हो आप। तो हमारे पास जो नेक्स्ट शॉर्टकट है वो कंट्रोल ऑल्ट वी। नॉर्मली जब आपको टर्मिनल में कोई भी लिंक को पेस्ट करना होता था या फिर आप कोई भी
चीज़ को पेस्ट करना चाहते थे जो कि आपने पहले कॉपी कर रखा था, तो यहाँ पे क्या करते थे, लॉन्ग प्रेस करते थे एंड पेस्ट पे क्लिक करके पेस्ट कर देते थे, राइट। तो यहाँ पे देखो उसके लिए भी एक शॉर्टकट है हमारे टर्मक्स में जो कि कंट्रोल ऑल्ट वी। एंड जैसे ही आप कंट्रोल ऑल्ट वी प्रेस करोगे तो आपके टर्मक्स में जो भी आपने कॉपी किया था वो वहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। एंड हमारे पास जो नेक्स्ट शॉर्टकट है वह कंट्रोल ऑल्ट प्लस या फिर माइनस, प्लस या फिर माइनस मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, देखो क्या है कि आप जब आप टर्मक्स के टर्मिनल को जूम आउट या फिर जूम इन करते हो तो आप क्या करते हो, टू फिंगर लेके पिंच करते हो, मतलब आप जूम इन करते हो या फिर जूम आउट करते हो, राइट। तो देखो यहाँ पे क्या है कि अगर आपको जूम इन करना हो तो आप यहाँ पे कंट्रोल ऑल्ट प्लस प्रेस कीजिए, जूम इन होगा। अगर आप जूम आउट करना चाहते हो तो कंट्रोल ऑल्ट माइनस प्रेस कीजिए, जूम आउट हो जाएगा। एंड हमारे पास जो नेक्स्ट शॉर्टकट है वह कंट्रोल ऑल्ट, एंड यहाँ पे कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं है जो कि मैं आपको बता सकता हूँ। तो देखो ये ट्रिक एक्चुअली क्या करता है, मैंने इसमें एक ट्रिक के बारे में बताया था जो कि है कंट्रोल ऑल्ट अपर एरो या फिर डाउन एरो, जिससे कि आप टर्मक्स के टर्मिनल को मतलब सेशन को चेंज कर सकते हो। तो वो क्या करता था कि डायरेक्ट एक बार में वो एक ही सेशन में चेंज कर सकता था, जैसे कि वो 5 पे है तो 4 पे लाएगा या फिर 6 पे लाएगा, करेक्ट। तो देखो यहाँ पे एक हमारे पास और शॉर्टकट है जो कि कंट्रोल ऑल्ट, एंड इसके बाद आप जो भी नंबर प्रेस करोगे 0 से लेके मतलब 1 से लेके 9 तक, तो उतने नंबर सेशन पे आप पहुंच जाओगे अगर वो सेशन ओपन होगा तो। जैसे ही आपको किसी सेशन में जाना है डायरेक्ट तो आप यहाँ पे प्रेस कीजिए कंट्रोल ऑल्ट एंड वो नंबर प्रेस कर दीजिए सेशन का, किस नंबर सेशन पे आप जाना चाहते हो तो वो आप डायरेक्ट उसी नंबर सेशन पे पहुंच जाओगे। मैंने आपको बताया था कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो आपके लिए एक बोनस ट्रिक है हमारे पास जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वो बोनस ट्रिक है टैब। अब ये टैब क्या होता है, देखो आपके कीबोर्ड में ये वाला जो आइकन होता है इसको हम टैब बोलते हैं, तो ये नॉर्मली टर्मक्स में आता है की के रूप में, राइट। तो देखो इसका यूज़ तो ज़्यादातर आप नहीं जानते होंगे, आई नो, तो हम इसका यूज़ करके काफ़ी कुछ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप कोई कमांड लिख रहे हो एंड पूरा कमांड आपको याद नहीं है, बस आपको आगे का कुछ याद है, जैसे कि समझो मुझे आईपी चेक करना है अपने डिवाइस का एंड मुझे नहीं पता है कि उसका कमांड आईएफ कॉन्फिग है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा आईएफ एंड इसके बाद टैब प्रेस कर दूंगा, मतलब जितने भी कमांड आईएफ से स्टार्ट हो रहा होगा वो सारा यहाँ पे शो हो जाएगा, आप यहाँ से चेक कर सकते हो। मतलब ये देखो ये डायरेक्ट अपने आप पूरा कर देता है, चाहे वो कमांड हो या फिर फाइल का नाम हो या फिर फोल्डर का नाम हो। जैसे कि समझो आप किसी फोल्डर में जाना चाहते हो तो आप क्या लिखोगे, सीडी एंड स्पेस डालकर उस फोल्डर का नाम लिखोगे, राइट। तो देखो क्या है कि अगर आप इस ट्रिक के मदद से जाना चाहते हो तो आप लिखिए सीडी एंड स्पेस डाल के उस फोल्डर का शुरू के लेटर्स लिखने होंगे जो कि यूनिक होना चाहिए। जैसे कि समझो अगर आप बहुत सारे फोल्डर हैं एंड उसमें से यूनिक फोल्डर है आर ई एस से स्टार्ट होने वाला, मतलब आर ई एस से सिर्फ वही फोल्डर स्टार्ट होता है, तो आप डायरेक्ट जैसे टैप प्रेस करोगे पूरा का पूरा फोल्डर नेम एक ही बार में यहाँ पे कमांड में आ जाएगा। मतलब समझो टैब क्या करता है कि टैब आपका जो कमांड है या फिर कुछ भी है वो उसको ऑटोमेटिकली पूरा कर देता है। आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मैं यहाँ पे अपना टर्मक्स ऐप को ओपन कर लेता हूँ एंड यहाँ पे टर्मक्स ऐप को ओपन करने के बाद टर्मक्स मेनू को ओपन करने के लिए लॉन्ग प्रेस कीजिए टर्मक्स के टर्मिनल में कहीं भी एंड वहाँ पे मोर के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए, टर्मक्स का मेनू ओपन हो जाएगा। एंड अगर आप हैकर कीबोर्ड को यूज करते हो तो आप यहाँ पे कंट्रोल ऑल्ट एंड एम प्रेस कर दीजिए, टर्मक्स का मेनू ओपन हो जाएगा यहाँ पे एंड आप यहाँ से यूज कर सकते हो इसको। तो मैं यहाँ पे टर्मक्स मेनू के सारे ऑप्शन को 1x1 यूज करके दिखाता हूँ आपको। तो हमारे पास जो पहला ऑप्शन है वो है सेलेक्ट URL। अगर आपके टर्मिनल में कहीं भी URL है अगर आप उसको सेलेक्ट करना चाहते हो तो आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हो। आपके टर्मिनल में जितने भी URL होगा तो वो सारे URL को निकाल के दे देगा आपको, जो भी URL आपको कॉपी करना है यहाँ से कॉपी कर सकते हो। एंड हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वह शेयर ट्रांसक्रिप्ट। तो ये एक्चुअली क्या करता है कि आपके टर्मिनल में जो भी चल रहा है या फिर जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है अगर आप सारे टेक्स्ट को किसी को सेंड करना चाह रहे हो तो आप इस ऑप्शन से कर सकते हो। तो आपको सिंपली यहाँ पे शेयर ट्रांसक्रिप्ट पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे शेयर का मेथड सेलेक्ट कर लेना है, आप किस मेथड से शेयर करना चाहते हो एंड आप यहाँ पे सेलेक्ट करके शेयर कर सकते हो। एंड हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है ऑटो फिल पासवर्ड। तो ये एक्चुअली आपके ज़्यादा काम नहीं आने वाला है तो इसको इग्नोर कर दीजिए आप। एंड हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है रीसेट। तो रीसेट एक्चुअली क्या करता है कि आपका जो टर्मिनल है उसको पूरी तरह से रीसेट कर देता है। एंड हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है किल प्रोसेस। तो मैंने इस सीरीज के प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर आपको टर्मक्स से एग्जिट होना होता है तो आप वहाँ पे एग्जिट लिखते हो या फिर लॉग आउट लिख के एंटर करते हो, एग्जिट हो जाते हो। एंड मैंने शॉर्टकट के वीडियो में ये भी बताया था कि आप कंट्रोल डी का यूज़ करके भी एग्जिट हो सकते हो, लेकिन यहाँ पे एक चौथा ऑप्शन भी है हमारे पास जो कि है किल प्रोसेस।
मतलब चौथा मेथड है एग्जिट होने का। आप यहाँ से किल प्रोसेस पे क्लिक करके भी एग्जिट हो सकते हो। मतलब ये क्या करता है कि आपके टर्मक्स में जो भी प्रोसेस चल रहा होगा सारे प्रोसेस को इमिडिएटली कैंसिल कर देगा एंड आप यहाँ से एग्जिट हो जाओगे सेशन में से। एंड हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है स्टाइल का। तो स्टाइल ऑप्शन क्या करता है कि आपके जो टर्मक्स है उसको पूरी तरह से स्टाइल करने में आपका हेल्प करता है। मतलब उसका फॉन्ट का कलर या फिर टर्मक्स का कलर जो भी आप चेंज करना चाहते हो तो इस स्टाइल ऑप्शन से कर सकते हो। एंड हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वह कीप स्क्रीन ऑन। मतलब आपके फ़ोन में एक ऑप्शन होता है जो कि स्लिप टाइम, मतलब आपके फ़ोन में जो भी स्लिप टाइम सेट है उतना टाइम के बाद स्क्रीन अपने आप लॉक हो जाएगा। सेम इसी तरह यहाँ पे है, लेकिन यह है कि कीप स्क्रीन ऑन, जैसे ही आप इस पर टिक लगा देते हो तो आपका जो स्क्रीन है वो हमेशा के लिए ऑन रहेगा जब तक कि आप इसको अनटिक नहीं कर देते। एंड ये काफ़ी आपके काम आने वाला है क्योंकि आप टर्मक्स में कुछ प्रोसेस को चलाते हो एंड वो स्क्रीन ऑफ ना हो जाए, इसलिए आप इसका यूज़ कर सकते हो। एंड हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है हेल्प। तो इससे आप टर्मक्स के बारे में और भी ज़्यादा जान सकते हो एंड अगर आपको टर्मक्स के बारे में कुछ एरर आ रहा है या फिर कुछ और प्रॉब्लम हो रहा है तो आप यहाँ से जाके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकते हो। एंड हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है सेटिंग का। तो आप इस ऑप्शन की मदद से टर्मक्स में टर्मक्स ऐप का सेटिंग कर सकते हो। मतलब अगर टर्मक्स में कुछ सेटिंग करना हो, वैसे ज़्यादा सेटिंग तो ऑप्शन दिया नहीं गया, लेकिन आप अगर उस सेटिंग में से भी अगर कुछ सेटिंग करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो। एंड हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वह रिपोर्ट इशू। अगर आप टर्मक्स में कोई इशू फेस कर रहे हो या फिर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो जिसकी वजह से आप टर्मक्स सही से यूज नहीं कर पा रहे हो तो आप इस ऑप्शन के मदद से वो इशू को रिपोर्ट कर सकते हो, वह टर्मक्स के ऑफिशियल तक पहुँच जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको टर्मक्स स्टाइलिंग के बारे में बताने वाला हूँ कि आप टर्मक्स स्टाइलिंग का यूज करके अपने टर्मक्स को कैसे स्टाइल कर सकते हो। मतलब टर्मक्स का कलर कैसे चेंज कर सकते हो या फिर टर्मक्स का जो फॉन्ट है फॉन्ट स्टाइल कैसे चेंज कर सकते हो। तो टर्मक्स स्टाइलिंग को यूज करने के लिए आपके पास पहले टर्मक्स स्टाइलिंग का प्लगइन होना चाहिए। मतलब टर्मक्स के तरफ से ही एक एपीके आता है जो कि टर्मक्स स्टाइलिंग। तो आप चाहो तो टर्मक्स स्टाइलिंग ऐप को प्ले स्टोर से भी कर सकते हो डाउनलोड, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि प्ले स्टोर पे आपको पे करना होगा उसके लिए 199 या फिर 149, शायद यही प्राइस है। लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, तो मैं बोलूंगा कि आप ऐप ड्रॉइड वेबसाइट से कर लो डाउनलोड या फिर ऐप ड्रॉइड एपीके से, वहाँ पे आपको फ्री में मिल जाएगा टर्मक्स स्टाइलिंग ऐप। आप ऐप ड्रॉइड वेबसाइट से टर्मक्स स्टाइलिंग को डाउनलोड करने के लिए कोई सा भी ब्राउजर को ओपन करके यहाँ पे सर्च कर लीजिए टर्मक्स स्टाइलिंग ऐप ड्रॉइड एपीके एंड लिख करके सर्च कर दीजिए, आपको जो पहला लिंक आएगा इस पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे डाउनलोड करने का पूरा प्रोसेस नहीं बताने वाला हूँ, तो आप एक बार डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए एंड इंस्टॉल करने के बाद आप यहाँ पे टर्मक्स ऐप को ओपन कर लीजिए। एंड ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे टर्मक्स मेनू को ओपन करना होगा। अब एंड यहाँ पे टर्मक्स मेनू को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे जो स्टाइल वाला ऑप्शन है तो इस पर टैप कर देना है। एंड जैसे ही टैप करोगे तो अब आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेगा। तो आपको यहाँ पहला ऑप्शन मिलेगा चूज कलर एंड सेकेंड है चूज फॉन्ट। मतलब चूज कलर पर अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे बहुत सारे कलर मिल जाएगा, जिस कलर का आप यूज करना चाहते हो कर सकते हो। मतलब जो भी आप कलर सेलेक्ट करोगे आपके टर्मक्स ऐप का कलर वही हो जाएगा। एंड जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो जो भी कलर को आप सेलेक्ट करोगे एग्जैक्टली वही कलर हो जाएगा। एंड यहाँ पे जो भी कलर है वो दो वेरिएंट में अवेलेबल है, पहला लाइट में, सेकंड डार्क में भी है। तो आप लाइट अगर यूज करना चाहते हो तो लाइट करो, वरना नॉर्मली लोग डार्क ही यूज करते हैं तो आप भी डार्क यूज कर सकते हो। एंड जो हमारा सेकंड ऑप्शन है वो है चूज फॉन्ट। तो फॉन्ट ज़्यादा नहीं दिया गया है, लेकिन जो भी दिया गया है आपके लिए काफ़ी है। तो आप इस पर क्लिक करके कोई भी फॉन्ट को सिलेक्ट कर सकते हो एंड यहाँ पे आपको उबंटू का भी फॉन्ट मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो आप यहाँ से इस तरह से किसी भी फॉन्ट को सिलेक्ट करके अपने टर्मक्स में अप्लाई कर सकते हो या फिर आप चाहो तो टर्मक्स ऐप का जो कलर है उसको चेंज कर सकते हो यहीं से। तो इस वीडियो में मैं आपको टर्मक्स फ्लोट ऐप के बारे में बताने वाला हूँ कि आप उस ऐप का यूज कैसे कर सकते हो एंड उस ऐप से आप क्या क्या कर सकते हो। तो चले बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चले पहले बता देता हूँ कि टर्मक्स फ्लोट एपीके है क्या। टर्मक्स फ्लोट एक टर्मक्स का प्लगइन है जो कि टर्मक्स का जो विंडो है उसको एक पॉपअप विंडो की तरह ओपन कर देता है। मतलब आप उसको किसी भी ऐप के ऊपर यूज कर सकते हो, मतलब कोई भी अगर ऐप यूज कर रहे हो एंड उसको भी आप यूज कर सकते हो सेम टाइम पे। टर्मक्स फ्लोट ऐप को आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे आपको 150 रुपये पे करना होगा एंड उसके बाद ही आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। एंड मैं रिकमेंड भी नहीं करूँगा कि आप 150 रुपये दे के एक प्लगइन को डाउनलोड करो। तो आप यहाँ पे कोई सा ब्राउज़र को ओपन कर लीजिए एंड यहाँ पे सर्च कर लीजिए टर्मक्स फ्लोट ऐप ड्रॉइड एपीके एंड लिख करके सर्च कर दीजिए, आपके सामने पहला लिंक आएगा उस पर क्लिक कर दीजिए
एंड क्लिक करने के बाद स्क्रॉल डाउन कीजिए, यहाँ पे आपको डाउनलोडिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करके आपको डाउनलोड कर लेना है ऐप को। एंड जब ये डाउनलोड हो जाए तो इसको इंस्टॉल कर लेना है अपने डिवाइस में। एंड जब ये इंस्टॉल हो जाए तो टर्मक्स फ्लोट ऐप के ऊपर लॉन्ग प्रेस करना है। एंड लॉन्ग प्रेस करने के बाद यहाँ पे ऐप इन्फो पे टैप करके टर्मक्स फ्लोट का ऐप इन्फो ओपन कर लेना है। एंड यहाँ पे आपको दिखेगा अदर परमिशंस, तो इस पे टैप करके डिस्प्ले पॉपअप विंडो को अलाउ कर देना है। एंड जब ये अलाउ हो जाए तो अब आप रेडी हो चुके हैं टर्मक्स फ्लोट ऐप को यूज करने के लिए। तो इस स्क्रीन को मिनिमाइज कर दीजिए। एंड अब आप टर्मक्स फ्लोट ऐप पे जैसे ही टैप करेंगे तो आप देखेंगे कि टर्मक्स एक नए लुक में ओपन हो चुका है आपके पास। एंड आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो कि टर्मक्स ऐप नहीं ओपन हुआ है बल्कि टर्मक्स का विंडो ओपन हुआ है एक पॉपअप विंडो की तरह। मतलब जैसे कि आप पीसी में यूज करते हो काले लिनक्स, तो उसमें जिस तरह से टर्मिनल ओपन होता है सेम टू सेम टर्मिनल यहाँ पे भी ओपन हुआ है। एंड इस टर्मिनल पे आप लॉन्ग प्रेस करके इस रिसाइज भी कर सकते हो, मतलब जहाँ पे शिफ्ट करना है शिफ्ट कर सकते हो। एंड इसको बड़ा या छोटा भी कर सकते हो टू फिंगर के मदद से। आई होप गाइज कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, वरना आप डिसलाइक करके जा सकते हो। एंड अगर आपको इस वीडियो के बारे में कुछ जानना है या फिर कुछ क्वेरी हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, मैं रिप्लाई कर दूंगा। तो चलेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।